अच्छा जी, तो हम आज देख लेते हैं कि व्हाट इज़ वॉइस फर्स्ट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यार वॉइस प्लेटफॉर्म हैव टू डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो वॉइस वाला प्लेटफॉर्म होता है ना उसकी दो चीज़ें होंगी जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं उसके। फर्स्ट, दे आर इंटरेक्टेड विद वॉइस प्राइमरीली। जो प्राइमरीली उससे कम्युनिकेशन होगी ना वो वॉइस से होगी, ठीक है। ये वॉइस फर्स्ट की बात हो रही है, एक ऐसी एप्लीकेशन की बात हो रही है जो सबसे पहली क्वालिटी उसमें क्या होगी कि उससे वॉइस से कम्युनिकेशन होगी इन द फर्स्ट प्लेस। जैसे गूगल असिस्टेंट का जो डब्बा है उससे आप वॉइस से कम्युनिकेशन करते हैं इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ये मोबाइल फ़ोन है, अब ये मोबाइल फ़ोन दिस इज़ नॉट अ वॉइस फर्स्ट डिवाइस, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन से जो मैं कम्युनिकेट करता हूँ, जो सबसे प्राइमरी फंक्शन है कॉल करना और मैसेज करना या इंटरनेट ब्राउज़ करना, इसके ऊपर ये इस डिवाइस में या इसका कैमरा जो ओपन करना और पिक्चर लेना, ये प्राइमरीली वॉइस से नहीं होता है, ये टच स्क्रीन से होता है इस वक्त, ठीक है। तो दिस मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट अ वॉइस फर्स्ट डिवाइस, ये इससे हमें पता लग गया। लेकिन गूगल असिस्टेंट का जो डब्बा है दैट इज़ वॉइस फर्स्ट। सेकेंड, दे आर ओपन फॉर एक्सटेंशन बाई थर्ड पार्टी डिवेलपर्स। ओपन फॉर एक्सटेंशन का क्या मतलब है कि जैसे इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐप स्टोर है, प्ले स्टोर है, जिसमें से आप क्या कर लेते हैं, नई ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने एक ऐप डाउनलोड कर ली है, स्पीडोमीटर, ठीक है। तो मैं जब जहाज़ में बैठता हूँ विंडो सीट पे, तो मैं वो स्पीडोमीटर की ऐप लगा के मैं चेक करता हूँ कि कितने स्पीड में इसने ज़मीन छोड़ दिया। सही है, तो कोई 350 पे छोड़ देता है, कोई 400 पे छोड़ देता है ज़मीन। तो ये एक ऐप है जो बाई डिफ़ॉल्ट इस मोबाइल के अंदर मौजूद नहीं थी, ये क्वालिटी, ये कैपेबिलिटी बाई डिफ़ॉल्ट इस फ़ोन के अंदर मौजूद नहीं थी, लेकिन वो स्पीडोमीटर वो GPS को यूज़ करते हुए कुछ करते हैं उससे पता लग जाता है, ठीक है। या मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर गूगल मैप की ऐप को डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। और जब जहाज़ चलते चलते 1 घंटा गुजर जाता है तो मैं क्या करता हूँ, मैप खोल के और वो खिड़की के साथ लगाता हूँ, तो GPS से वो मुझे पकड़ में बता देता है कि अभी कहाँ पहुँचे हैं। तो मैं देख लेता हूँ, अच्छा जी अभी जो है ना बन्नू पे पहुँच गए, अभी 10-15 मिनट का रास्ता और है। सही है, तो ये अबे हमारे वाले में नहीं दिख रहा होता, नहीं मतलब सस्ते वाले प्लेनों में नहीं दिख रहा होता ना, इन्होंने रखा हुआ है। नहीं उनको तो दिख रहा है ना, पायलट को, ये पैसेंजर्स को नहीं दिख रहा होता। अगर तो वो अच्छा वाला जहाज़ हो ना, जो GPS पकड़ लेता है, GPS का इंटरनेट से ताल्लुक नहीं होता ना असल में, उसको सिर्फ आसमान देखना होता है GPS को। तो वो मैप, ऑफलाइन मैप अगर डाउनलोडेड है आपका पहले से, अदरवाइज अगर ऑफलाइन मैप डाउनलोड नहीं है तो ब्लैक दिखाएगा पूरा, और ब्लैक पे लेकिन आपको पोजीशन बता देगा वो। अगर ऑफलाइन मैप डाउनलोडेड है तो वो GPS को पॉइंट कर देता है कि यहाँ पर है। नहीं, ये दोस्त ने सवाल पूछा है कि यार अगर ऊपर से जहाज से नीचे तो कुछ दिखता नहीं, और बात सही है, नीचे मोस्टली जो है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप नीचे झांकते हैं तो एक बादल का एक सहरा दिखता है आपको, क्योंकि बादल से ऊपर होते हैं हम। बादल तो पता नहीं, मेरे ख्याल है 2,000 फिट पे होते हैं शायद। तो ये जहाज़ नॉर्मली 6-7 हज़ार पे फ़ौरन ले जाता है, ये टेक ऑफ करते ही 6-7 हज़ार पे फ़ौरन ले जाता है। तो उसको नीचे आप देखो तो नीचे बादल का एक सहरा दिखता है, दूर दूर तक बादल ही बादल होते हैं, अगर बादल है तो। अगर बादल नहीं होते तो फॉग दिखती है और कुछ नहीं दिखता। जैसे मतलब आप बहुत दूर अगर देखें तो क्या दिखता है आपको, ब्लर हो जाता है ना विजन आपका। कैमरे से नहीं, नहीं, फॉग होता है नीचे, फॉग होती है ना, फॉग दिखता है नीचे, क्योंकि 30,000 फीट से आपको कुछ भी नहीं दिखता नीचे, फॉग होता है बिल्कुल, ऐसा ऐसा लगता है धुंधला है, कुछ नहीं है नीचे। जैसे आप ओशियन के बीच में चले जाओ ना अगर, तो आप इस तरफ देखो तो भी जिधर तक नज़र जाती है वहाँ तक पानी पानी होता है। आप लेफ्ट देखो, राइट देखो, और फ्रंट देखो, बैक देखो, चारों साइड पे ना आपको जिधर तक नज़र जाती है पानी पानी होता है। तो इसी तरह जब आप 35,000 पे होते हो ना, तो आपकी जहाँ तक नज़र जाती है ना चारों साइडों पे, वहाँ तक कुछ भी नहीं होता, ऐसा लगता है आप यू आर आउट ऑफ नो वेयर, आप कहीं ऐसी जगह हो जो है ही नहीं। तो तो वो पायलट्स के पास एक तो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिससे वो गाइड मिलती है उनको ना, गाइडेड होते हैं वो। दूसरा उनके पास होता है कंट्रोल टावर, कंट्रोल टावर उनको बता रहा होता है कि इस वक्त आप कहाँ पर हैं और कितनी स्पीड है आपकी, क्या एल्टीट्यूड है आपका। और यही सारे सेंसर उनके अपने पास भी लगे हुए होते हैं, बाहर हवा का प्रेशर क्या है, बाहर जो है वो एल्टीट्यूड कितने ऊंचाई पे है इस वक्त, क्या स्पीड है, डायरेक्शन क्या है, तो सब उनके पास लगा होता है। वो इतना बड़ा पूरा डैशबोर्ड होता है, वो देखना यूट्यूब पे सिखाते हैं बच्चे। हाँ नहीं, वो यूट्यूब पे बच्चे सिखाते हैं, ये 757 की ट्रेनिंग देते हैं,
तो आप जाके यूट्यूब पे आप सीख सकते हो। और इनका एक सिमुलेटर भी है, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट का, वो है फ्लाइट सिमुलेटर है, पता नहीं इस तरह कुछ नाम है उसका। तो उस पर बाकायदा आप जहाज़ को उड़ा सकते हो, रियल जहाज़ है उसके अंदर, उसमें सारे बटन बटन हैं, आप माउस से क्लिक करके ना ये बटन दबाओगे खींचोगे तो बाकायदा जहाज़ उड़ जाता है। तो वो सिमुलेटर है, तो उस पर ट्रेनिंग बच्चे सारे उस पर यूट्यूब पे ना जैसे पबजी खेल खेल के डालते हैं ना, इस तरह बच्चे बोलते हैं यार आज मैं ना सबसे शॉर्टेस्ट रनवे पे सबसे बड़ा जहाज़ उतारूंगा। तो वो ये इस तरह की बकचोदियाँ चल रही होती हैं उधर। तो बच्चों को यार पायलट बनने का बचपन से शौक होता है। अच्छा हमारे बच्चों में ना बताते तो हैं यार, बचपन से बच्चा बोलता है मैं पायलट बनूंगा, बच्चा तो बोल देता है, बड़े बोलते हैं वाह यार गुड, लेकिन बनूंगा कैसे ये नहीं पता। उनके बच्चों को पता होता है भाई कैसे बनूंगा, तो वो बचपन से ही ना अब्बा उसके फ्लाइट सिमुलेटर लगा देते हैं, बड़ी सी स्क्रीन लगा देते हैं। और वो फ्लाइट सिमुलेटर का ना वो भी मिलता है, वो गियर शेयर भी पूरे मिलते हैं, जैसे गाड़ी का गियर होता है ना वो रियल बटन्स होते हैं सारे। तो भाई बच्चा बैठता है सीट पे आगे, उधर उनका 3 साल का बच्चा सीट पे बैठता है और यूं टक 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 करके सेट करता है, यूं टेक ऑफ मारता है, वो बोलता है ये लो मैंने उड़ा दिया जहाज़। तो वो जब 18 साल का होता है ना वो बच्चा, तो वो जहाज़ इतनी दफ़ा चला चुका होता है उसको मज़ा ही मज़ा होता है उसके लिए। कोई उसके घर पे गेस्ट आता है ना बोलता है बैठो इधर मेरे साथ सीट पे, को पायलट हो तुम मेरे आज, चलो उड़ाते हैं जहाज़। वो जहाज़ उड़ाता है भाई। तो और कुछ जहाज़ जो है ना जो जदीद जब वाले जहाज़ हैं, उसको जहाज़ की जो आगे स्क्रीन होती है ना जिससे ऐसा आपको लगता है कि शायद पायलट बाहर दिखता होगा उससे, वो उस स्क्रीन के ऊपर वे पॉइंट्स दिख रहे होते हैं। वे पॉइंट समझते हो? जैसे हैं वे पॉइंट्स ये होते हैं कि हवा में आपको ना एक ऐसे बना हुआ नज़र आ रहा होता है एक सर्कल सा, हैं हाँ गेम्स में अक्सर होता है, हाँ वो एक पॉइंट सा बना हुआ आ रहा होता है आपने उसको, हाँ जो सबवे सफ़र होता है ना उस तरह का होता है कि वो वे पॉइंट्स बने आ रहे होते हैं, आपने वो उसके अंदर जाना होता है वे पॉइंट्स के अंदर। हाँ तो वो हर एक एक दो दो किलोमीटर पे 3 3 किलोमीटर पे वो दिख रहा होता है कि यार यूँ वे पॉइंट इधर जा रहा है। हाँ जी टी अच्छा नहीं, जैसे वो GTA में होता है ना कि जब जैसे पैसेंजर उठाते हैं जब, तो होता है कि भाई गाड़ी इस जगह पे लेके खड़ी करनी है वो, तो दैट इज़ कॉल्ड वे पॉइंट, वो वे पॉइंट होता है। या सबवे सफ़र में जैसे आप पकड़ते हुए जाते हो वे पॉइंट्स को, तो इस तरह आप इधर उधर करते हो वे पॉइंट के अंदर अंदर चलते हो, तो वो सही उड़ता रहता है सीधा। और वो पहले से बना हुआ है ना, जैसे गाड़ियों के रूट बने हुए हैं ना कि जी हाईवे नंबर 5 पे आप जाओगे फिर वहाँ तक जाओगे फिर वहाँ से टर्न हो जाओगे, तो इसी तरह हवाई जो रास्ते हैं वो भी पूरे बने हुए हैं बाकायदा, इस पे सारे रोड्स रेडी हैं, तो जहाज़ उन्हीं पे चलते हैं, वो फिक्स हैं पहले से। और वो डेटा जैसे गूगल मैप में आप लगाते हो ना कि यानी सदर जाना है तो बता देता है इस रोड से जाओ, तो वैसे ही उनका पहले से बना हुआ है मैप पूरा, तो जब भी किसी ने कहीं जाना होता है ऑर्ड भी अगर जा रहा है तो वो उसी रास्ते से ही लेके जाता है, कहीं और से नहीं लेके जाता, ठीक है? क्योंकि अगर उस रास्ते पर नहीं होगा जहाज़, अगर उस रास्ते पर नहीं होगा जहाज़ तो मिलिट्री वाले शूट कर देंगे, क्योंकि मिलिट्री वालों को पता नहीं लगेगा कि कहाँ से आ गया जहाज़, समझ रहे हो? मिसाल के तौर पर जैसे आप शारा फैसल से गुजर रहे हो सीधा सीधा, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो ना आप, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो ना आप और शारा फैसल से गुजर रहे हो, तो अच्छा आपने क्या किया कि सामने गेट खुला हुआ था, आपने बोला यार इस गेट से यूँ जाता हूँ शॉर्टकट निकल जाऊँगा, तो आप अब इलाका गैर में चले गए हो। जहाँ पे वो एंटर होते ही आपको वो पकड़ लेंगे कि यार किधर जा रहे हो, है ना? तो वो किस रास्ते पे आप जा रहे हो उससे भी इंडिकेट होता है कि आप पब्लिक जहाज़ हो या क्या हो आप। तो अक्सर जहाज़ों के साथ ये हादसा हो चुका है कि वो अपने रास्ते से हटे और साथ में फाइटर लग जाता है फ़ौरन आगे कि भाई किधर। वो फ़ौरन किसी भी मुल्क में अगर उसको दिखा ना कि यार अनआइडेंटिफाइड जहाज़ है ये पता नहीं लग रहा है कि ये कौन सा है, तो पहले तो बोलते हैं भाई वायरलेस पे कि भाई अपनी शनाख्त कराएं आप कि आपका नंबर क्या है, नंबर वगैरह वो सारी चीज़ें उनका एक कोड होता है, तो वो बताते हैं वो कि यार हम ये हैं। वो अगर नहीं बताते तो फ़ौरन 2.5 मिनट होता है, 2.5 मिनट के अंदर अंदर यूँ आगे साइड में दोनों साइड जहाज़ लिख जाता है, और अगर वो अपनी शनाख्त नहीं कराए तो उसको मार के गिरा देते हैं। पैसेंजर जहाज़ अगर अपनी शनाख्त नहीं कराए अगर उसको मिसाइल मार के उसी टाइम रॉकेट मार के ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हाँ भले पैसेंजर उसके अंदर मौजूद हों, ये रियलिटी बता रहा हूँ, ये हो सकता है ये, और इसके बहुत चांसेस होते हैं। क्यों? और रीज़न उसका ये होता है कि पैसेंजर जहाज़ के अंदर दिख थोड़ी रहा होता है कि अंदर क्या है, हो सकता है वो सीटों पर डमी बिठा के अंदर वो कुछ और बम वम लेकर आए हों और वो लॉन्च करने लगे हों बम, ये तो हो सकता है ना, पूरा पूरा चांस है इसका, तो इसलिए वो बड़े मोहतात रहते हैं इस मामले में। हैं हाँ वेल, तो वॉइस ऐप की हम बात कर रहे थे,
वॉइस असिस्टेंट देखो, गूगल असिस्टेंट को तो हमने कोर्स से कर दिया बाहर, सही है फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन अभी जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो वॉइस फर्स्ट की तरफ ही दोबारा जाएगी ज़ाहिर है, क्योंकि किबला तो वही है ना इनका सारा, जहाँ से कहानी शुरू हुई है। ठीक है, तो फिलहाल हम वॉइस फर्स्ट वाला कोई प्लेटफॉर्म नहीं पढ़ेंगे इस कोर्स में। ठीक है, जैसे कि एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट ना, ये दोनों वॉइस फर्स्ट प्लेटफॉर्म है, तो हम ये नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो वेबसाइट के ऊपर एक चैट बॉट लगा रहे हैं, आया कि वो वॉइस फर्स्ट है या वो चैट बॉट है, या वॉइस फर्स्ट है या मोबाइल फर्स्ट है या जो भी है, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट के लिए हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें वो बात पता होनी चाहिए। क्योंकि सम टाइम क्लाइंट्स ऐसे रिक्वायरमेंट करते हैं कि जी बंदा आए और बंदा सिर्फ वॉइस पे बात करे, तो वो हमें कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि इसकी स्टोरी क्या है। स्टोरी ये पता नहीं होगी तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अगर वॉइस फर्स्ट बना रहे हैं तो फिर वो बाकायदा वॉइस फर्स्ट हो। तो इसने ये बता दिया कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, तो ये गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा की असल में बात कर रहे हैं, ये बुक है भी अलेक्सा की वॉइस एप्लीकेशन की है। अच्छा, तो कह रहा है कि यार इसमें एक्सटेंशन अवेलेबल होने चाहिए। तो मैं ये बता रहा था कि जैसे मेरे पास मोबाइल है, इसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ पहले से नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ उसकी ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ। तो वो कह रहा है कि इसी तरह उसमें भी क्या हो ना, एक्सटेंशन डाउनलोड हो सकते हो, उसको एक्सटेंड किया जा सकता हो। अच्छा, लेकिन अब हमारे केस में अगर हम एक चैट बॉट बनाते हैं, वेब बेस्ड अगर हम एक चैट बॉट बनाते हैं, तो उसमें क्या वॉइस फर्स्ट पॉसिबल है इन दोनों चीज़ों को देखते हुए? इन दोनों चीज़ों को देखते हुए कि उसमें वॉइस फर्स्ट पॉसिबल है? ना फर्स्ट हो सकता है ना सेकंड हो सकता है, सही है, क्योंकि वेबसाइट को खोलने के लिए ना आपको हाथ लगाना पड़ता है, सही है, बगैर हाथ को टच की खुलती नहीं है वेबसाइट। तो वेब बेस्ड अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो ये पहला डिफाइनिंग है ना, प्राइमरीली जो वॉइस से जो उसको किया जा रहा है ना, तो ये पहले जब टच करके आप उसको ओपन करेंगे तो वहीं फेल हो गया ये। दूसरा है भाई एक्सटेंडेबल हो, तो एक्सटेंडेबल जब हमारी एक स्पेसिफिक ऐप होती है वो तो इटसेल्फ खुद एक एक्सटेंशन होती है। ठीक है, लेकिन चलो मैं मान लेता हूँ कि ऐप जब खुलने के बाद वो बिल्कुल सही चलती है, वॉइस पे चलती है पूरी, लेकिन स्टिल वो वॉइस फर्स्ट की इस वाली डिफाइनिंग फीचर पे ना जो इस ऑथर ने लिखा है, इसके ऊपर तो वो पूरा नहीं उतरती एटलीस्ट। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है भाई, कॉम्पेयर योर बैंक फोन सिस्टम, यूज़र कैन डू एको द ऑप्शन एक्वायर क्वाइट लिटरली दिस दिस दिस। अच्छा, यहाँ पे इसने ये बात की है कि यार आप ना, आपका जो फोन ट्री होता है, फोन ट्री किसको कहते हैं, जो आप कॉल करते हो ना, 1 दबाएं 2 दबाएं, पहले 1 से लेके 9 तक का मेन मेन्यू होता है, उसके बाद अंदर जाते हैं तो फिर बोलता है कि 1 से 3 तक कुछ सेलेक्ट करें, फिर बोलता है कि 1 या 2 सेलेक्ट करें, तो ये इसको ट्री कहते हैं, ट्री की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। तो कह रहे हैं कि उसके ट्री को आप इमेजिन करें, और आप इमेजिन करें कि आप किसी चैटबॉट से वही बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली बात सारी सेम हो रही होती है। ठीक है, उसी तरह का ट्री हम चैटबॉट में भी बना रहे होते हैं, हमने देख भी लिया है वो, कि जी एक मेन पेज होता है, उससे वो 3 राउट्स निकल रहे होते हैं, और वो 3 राउट्स के आगे उसका एक एक फॉर्म होता है, और उसके बाद लास्ट में वो घूम के वापस मेन पे ही आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक जगह इसने बात की है, अब वो पता नहीं इधर कहाँ पे है, वो यहाँ पे बात नहीं हुई, वो आगे हुई हुई है। वेल, इसने यहाँ पे किसी जगह पे ये बात की है कि यार जो वॉइस एप्लीकेशंस है ना, या जो चैट बॉट है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पिछले 40 साल से हमारे सराउंडिंग में, बावजूद इसके कि चैट बॉट का नाम जो है वो 2000s में कोई लिया गया पहली दफ़ा, लेकिन ये कह रहे हैं कि यार आप ना, अगर आप कॉल करते हैं अपने बैंक के मैनेजर को, कॉल करते हैं आप और उससे आप बैलेंस पूछते हैं, अब तो खैर वो रिवाज ख़त्म हो गया, लेकिन पहले ये होता था कि मोबाइल ऐप वगैरह ये सब नहीं होती थी, तो बैंक के मैनेजर को कॉल करना पड़ता था PTCL नंबर पे, और उसको अपना अकाउंट नंबर बताना होता था, और वो सामने से बैलेंस चेक करके आपको बताता था फ़ोन पे। ठीक है,
तो एक्चुअली वो कह रहा है कि इस चीज़ को अगर आप सोचें ना, तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक वॉइस असिस्टेंट से बात कर रहे हैं। असल में आप क्या कर रहे होते हैं, एक वॉइस असिस्टेंट से बात कर रहे होते हैं। तो ये कह रहा है, ये काम ना हम करते रहे हैं पहले भी। वैसे तो हमें शुरू में हमने देखा था कि हमें बातचीत करने का बड़ा एक्सपीरियंस है, तो बातचीत करने का एक्सपीरियंस तो अपनी जगह, वो तो है हमारा 100,000 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। लेकिन उसके बाद जो हमारा सेकंड एक्सपीरियंस आता है, पिछले 40 सालों से हम क्या कर रहे हैं, हम फ़ोन करते हैं बैंक के मैनेजर को और उससे हम कोई बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से चलो वो तो रिवाज ख़त्म हो गया, अभी वाला बताता हूँ कि अभी रिवाज मौजूद कौन सा है। जैसे KFC को फ़ोन करते हैं और उसको, अब KFC वालों का पता नहीं अजीब ही फंडा है, उनकी जो मोबाइल ऐप है उनकी बकायदा, लेकिन मोबाइल ऐप के ऊपर जब ऑर्डर करो ना, तो वो पता नहीं उसमें वो होता ही नहीं है कुछ, एरर वेरर मार के वो ठंडा हो जाता है हो जाता है। अच्छा, मेरा तो उसमें एरिया भी शो नहीं होता ये भी सीन है, लेकिन मैंने दूसरे एरिया पे लगा के चेक किया, वो नहीं होता, एरर मार देता है, पता नहीं क्या बोलता है, वो ठंडा हो जाता है। तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था एक दिन दोस्त के पास, तो मैं उनको कह रहा था कि यार ये पता नहीं इनको क्या हो गया, इतनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और वो तो चलता नहीं है इनका ऑनलाइन ऑर्डर। कह रहा नहीं यार चलता है, फ़ोन करना पड़ता है उनको। तो फ़ोन किया तो सही चल रहा है, फ़ोन तो फ़ोन पे उनको करना पड़ता है ऑर्डर। तो आप इमेजिन करें कि किसी, आप फूड ऑर्डर करने के लिए आपने कॉल की है या आप एक चैटबॉट से बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है दोनों। कि आप जैसे ही फ़ोन उठाता है वो बंदा, आपको सबसे पहले वो ग्रीटिंग करता है कि जी वेलकम टू KFC पाकिस्तान, और उसके बाद वो पूछता है कि सर क्या ऑर्डर करेंगे आप, ये ग्रीटिंग हो गया। उसके बाद आप बोलते हैं कि जी मुझे मिसाल के तौर पे 5 पीस वाला करना है या 9 पीस वाला बकेट करना है। वो कहेगा ठीक है सर, और कोल्ड ड्रिंक में कुछ लेना चाहेंगे? मैंने कहा जी कोल्ड ड्रिंक पेप्सी हो गया, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद एड्रेस तो उसको पता होता है, ये वंस वो पूछ लेता है एक दफ़ा, लेकिन सेकंड टाइम जब भी कॉल करो तो आपके फ़ोन नंबर से उसको एड्रेस दिख रहा होता है। तो वो बोलता है कि सर ये एड्रेस यही यही है? मैं कहता हूँ हाँ यही है। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहता है कि सर आपका जो टोटल हो गया मिसाल के तौर पर 1350 हो गया आपका, जो है मिसाल के तौर पर एक 5 पीस वाला और एक अगर पेप्सी मंगाओ तो 1300 का वो बनाता है, 1150 का कुछ वो है, उसके अलावा वो 50-100 रुपये पता नहीं डिलीवरी के लगाते हैं और 100 की पेप्सी लगा देते हैं वो। तो ये 1300 उसने बोला भाई ये बिल हो गया आपका। मैं कहता हूँ अच्छा यार ये बिल कैसे हो गया? उसने कहा ये चीज़ इतने इतने का लगाया है, कभी नहीं भी पूछता हूँ, मुझे पता लग गया। तो उसने बोला भाई ये बिल हो गया? मैंने कहा ठीक है, कितनी देर में आ जाएगा? उसने कहा सर 45 मिनट में आ जाएगा बस। तो ये सारा काम जो एक्चुअली चैटबॉट में मैं कर रहा हूँ और ये जो मैं कॉल पे कर रहा हूँ, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ज़ीरो डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। तो वी आर ऑलरेडी डूइंग दिस। अच्छा, कॉल पे ऑर्डर करने वाले ये सारे रेस्टोरेंट मौजूद हैं इस वक्त, जितने भी छोटे रेस्टोरेंट इस वक्त मौजूद हैं मार्केट में, वो सारे कॉल पे ऑर्डर लेते हैं, ठीक है। एक तो बड़े चेन्स वगैरह हैं ना, जैसे मैकडोनल्ड है, तो मैकडोनल्ड ने भी ऐप वेप बनाई हुई है, लेकिन शायद मैकडोनल्ड का भी है नंबर फ़ोन का, ठीक है, फ़ोन का नंबर उनका भी है शायद। और ये जो सबवे वगैरह है और भी जो, तो अच्छा तो बहुत सारे तो इनमें से अब फूड पांडा वगैरह पे मूव कर गए हैं कि जी फूड पांडा से ही लेते हैं ऑर्डर, हम डायरेक्ट नहीं लेते, इस तरह का भी हो गया है। लेकिन छोटे जो हैं, जैसे मेरे घर के पास है क्या पीज़े के नाम से, बिल्कुल छोटा वो शॉप है उसकी, मतलब समझ लो केबिन टाइप का है वो, इतनी सी खिड़की खुली होती है बस, वहीं से वो डिलीवरीज करता है सिर्फ, वहाँ पर बैठ के खाने का कोई सीन नहीं है। तो नंबर लिखा है बस ने बड़ा बड़ा कि इस पर फ़ोन करें आप और मंगवा लें पीज़े भाई। तो इसी तरह वो एक पता नहीं ज़ीरो करके एक है, पिज़्ज़े वाला ही है वो भी, तो उसके पास तो है सेटिंग है 2-3 लोगों की, लेकिन वो भी उसका गया फ़ोन नंबर है भाई, वो जोंग का नंबर उसने रखा हुआ है व्हाट्सएप पे, और उस पर वो लोग फ़ोन करके ऑर्डर लगा रहे होते हैं उसको। तो ये जितने भी छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, जो बर्गर की दुकानें हैं छोटी, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, अगर इन्होंने डिलीवरी का ऑप्शन रखा हुआ है तो ये फ़ोन पर डिलीवरी लेते हैं। इनके पास इतना बजट नहीं होता आमतौर पर कि ये ऐप वगैरह बनवा सकें, तो लिहाजा इन इन रेस्टोरेंट्स पे जो बंदे ऑर्डर करते हैं, उनको इस चीज़ की आदत है कि वो फ़ोन करके बात करके और वो ऑर्डर लगाएं, ठीक है। तो हमारा पॉइंट ये था कि हमारे पास स्टिल बहुत सारी एक तादाद ऐसी मौजूद है जो ये काम करते रहे हैं पहले से, जो हम अभी बना रहे हैं। अच्छा, USA के अंदर अगर हम बात कर लें, फिर हमारे यहाँ ना पिज़्ज़ा का रिवाज ज़रा कम है, और हमारे यहाँ ज़रा लोग ना किचन में टाइम बड़ा स्पेंड करते हैं ना हम लोग, तो किचन में गोरा किचन में कभी भी इतना टाइम स्पेंड नहीं करता। गोरा किचन में जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, 15 मिनट से ज़्यादा वाली गेम वो करता ही नहीं है।
अगर उसने पॉपकॉर्न खाना है तो पॉपकॉर्न का वो रैपर वाला लाएगा वो माल, तो वो हमारे यहाँ तो मैंने नहीं देखा वो कि हमारे, मैंने देखा ही नहीं वो वाला माल यहाँ पे। वो रैपर सा होता है ऐसे जैसे वहां है पर हमारे इधर है वहाँ पे वो बताते हैं वही कर्नल पॉपकॉर्न है बोलते कर्नल हैं। पॉपकॉर्न है। अच्छा, तो वो रैपर सा होता है, पता नहीं वो कागज़ का होता है, पता नहीं किस चीज़ का होता है, तो उसको वो बस वैसे ही माइक्रोवेव में डाल के और बस उसको हाँ सर 1.5 मिनट पे सेट कर दो, लिखा होता है उसके ऊपर कि इतने मिनट पे सेट कर दो। तो वो कागज़ वो बिल्कुल बारीक सा पतला सा होता है, तो जैसे ही वो पॉपकॉर्न पॉप होना शुरू होता है ना तो फूल के इतना बड़ा हो जाता है, और बस उसको 1.5 मिनट पे लगा के वापस निकालो तो वो खुल जाता है, रेडी हो जाता है। तो पॉपकॉर्न उसका रेडी हो गया, उसमें डिफरेंट फ्लेवर वगैरह सब उसी के अंदर होते हैं। तो इसी तरीके से अगर उसने खाना है कोई स्टेक वस्टेक खाना है अगर, तो उसमें भी ना वो जाके गोश्त की दुकान से जो स्टेक लाएगा ना वो रेडी होता है, उसको कुछ भी नहीं करना होता है, उसको बस फ्राई पैन में डाल के यूँ 2 मिनट पकाना है, यूँ 2 मिनट पकाना है, वो रेडी हो गया। अगर उसने कोई वेजिटेबल फ्राई मारनी है तो वेजिटेबल फ्राई मार लेगा बस, तो कटिंग शटिंग में जो टाइम लगता है वो लगता है, बाकी फ्राई करने में कोई इतना टाइम नहीं लगता। हाँ, जो पाकिस्तान से यहाँ नहीं, मगर वो भी थोड़े दिन में करेगा, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी फिर थोड़े दिनों में, क्योंकि भाई यूएसए के अंदर असल में मसला ये है ना, वो टाइम किचन में इसलिए नहीं लगाते, लगाते हैं उनके जो पैसे वाले लोग हैं वो लगाते हैं टाइम, वो बाहर बारबेक्यू सेटअप मारते हैं अपने लॉन में, और वो उसके ऊपर ना सुबह सुबह फिर शुरू होते हैं वो 2-2 3-3 घंटे जो है ना वो पका रहे होते हैं। वो बड़ा कहते हैं ना भाई कुकिंग का बड़ा शौक है हमें, वो पैसे वालों का शौक है ये, लेकिन जो गरीब आदमी है ना वहाँ पे, उसने जाना होता है जॉब पे, और वहाँ पे जॉब बड़ी सख्त होती है भाई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब बढ़ता है ना आपका तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो बढ़ती है ना साथ साथ, तो जो $20 घंटे का आपको दे रहा है ना वेज, तो वो आपसे फिर काम भी इस तरह से लेता है कि आपको फिर इस काबिल नहीं छोड़ता रात को कि आप आके ना कुछ कर सको, आके आप सीधा बिस्तर पे गिरते हो और फिर सुबह आपने दोबारा जाना होता है, तो वो इस वजह से जो है ना वो किचन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा पाते और सफाई सुथराई में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा पाते, तो ये वाला सीन है, क्योंकि जब किचन में टाइम लगेगा नहीं, बर्तन गंदे होंगे नहीं, तो सफाई का भी गेम कम रहेगा, कपड़े वपड़े वो सारे जो लॉन्ड्री पे या तो दे देते हैं या तो जो है ना संडे वाले दिन लगा रहे होते हैं, तो इस तरह से होता है, तो टाइम ज़रा कम होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है। अगर यहाँ से कोई जाता भी है वहाँ पे और जाके किचन में टाइम लगाता है तो वो थोड़े दिन तक ही उसको समझ आ जाएगा कि ये हो नहीं सकता यहाँ पर, या तो वो रेडी टू कुक फूड होते हैं वो या तो बनाएगा या तो डायरेक्ट ही बाहर जाके खाएगा, डायरेक्ट ही वहाँ पे, जैसे ये मैकडोनल्ड वैकडोनल्ड ये ज़रा सस्ते सस्ते तो क्या पड़ते हैं, रेट यही है मैकडोनल्ड का, जो यहाँ पे बर्गर 600 का है ना वहाँ पे भी $2 का है, तो $2 600 बनता है, तो लेकिन वहाँ के लिए शायद $2 सही है क्योंकि वो घंटे के $20 कमा रहा है, तो अगर $2 में उसका पेट भर रहा है तो सही है, फिर बुरा नहीं है, तो या तो डायरेक्ट खाते ही बाहर से, फिर वहाँ पे ये वाला भी सीन है कि वो कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक ना ज़रा फ्री होती है, मतलब एक दफ़ा आपने वो ले लिया ना डब्बा तो उसको रीफ़िल फ्री होता है उसका, ज़्यादातर जगहों पर मैकडोनल्ड वगैरह में ये हार्डीज़ में इसमें रीफ़िल फ्री होता है, तो वो क्या करते हैं वो एक दफ़ा ले लेते हैं उसको संभाल के रखते हैं, तो सिर्फ बर्गर लेते हैं और ये वाला कप देते हैं, बोलते हैं उसको रीफ़िल करके दे, देख रहे हो मतलब ये लेवल हुआ है गुरबती का। वैसे तो हमें बड़ा अच्छा लगता है ना अमेरिका में बंदा रह रहा है, लेकिन भाई वहाँ पे ये लोग जो कोल्ड ड्रिंक का जो गिलास होता है वो संभाल के रखते हैं, पूरे पूरे महीने एक गिलास को संभाल के रखते हैं, और अब तो भाई उन्होंने बल्कि वो ये भी कर दिया है कि वो जो कप है ना बिल्कुल उसी जैसा दिखने वाला कप उन्होंने वो पूरा बना भी दिया है, अब बहुत सारे लोग वो भी इस्तेमाल करते हैं कि वो दिखने में बिल्कुल हार्डीज़ वाला लगता है लेकिन वो ज़रा प्लास्टिक का, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक का होता है, जैसा हमारा वो होता है ना कॉफ़ी कप जो होता है वो वाला, कॉफ़ी में भी वो यही करते हैं, वो घर से लेके निकलते हैं खाली जार कॉफ़ी का, जो किसी ने मैकडोनल्ड खाना है तो वो वाली सेटिंग है, किसी ने अगर कॉफ़ी खानी है तो वो कॉफ़ी का वो कप लेके निकलते हैं, जैसे स्टारबक्स वगैरह होते हैं ना उसमें ये होता है कि जितना भी बड़ा कप आप उनको दे दो तो वो उसको भर देते हैं, बोलते हैं यार भर दे इसको पूरा फुल ऊपर तक, तो उसको भर देता है वो, तो वो अपना कप लेके जाते हैं ताकि ज़रा थोड़ा ज़्यादा कॉफ़ी मिल जाए उसमें, कॉफ़ी में नहीं, रिफिलिंग तो वो ड्रिंक की कर रहे हैं ना, कॉफ़ी में नहीं है वो, कॉफ़ी में नहीं है वो, सिर्फ इससे इधर है ये बर्गर शर्गर की दुकानों में, तो बर्गर के तो $2 ले लिए ना उसने, बाकी ड्रिंक जो होती है वो 50 सेंट की अगर है तो वो फ्री दे देते हैं आपको, वो देते हैं इसलिए ताकि आए ना बंदा, क्योंकि मैकडोनल्ड भी है फिर हार्डीज़ भी है इधर, फिर वो आसपास वो बहुत सारे हैं, तो मसला ये है कि कंपटीशन का चक्कर है इसलिए वो फ्री देते हैं, ताकि वो ना हमारे पास बंदा है, फिर दूसरा ये होता है उनको फ़ायदा, तुम असल में तुम्हारा सवाल ये है कि वो कर क्यों रहे हैं, ये पागल तो नहीं है वो, कहीं पागल नहीं है भाई,
आप जाहिर है गाड़ी में ट्रैवल करते हैं वहाँ सारे लोग, तो गाड़ी में आप जब वो कप रखा हुआ होगा ना आपके, संभाल के आपने, तो जो भी बैठेगा गाड़ी में, जो भी जहाँ भी खड़ी होगी गाड़ी, वहाँ वो दिख रहा होगा बाहर से कि कप रखा हुआ है, तो हर जगह मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड की सदाएं हो जाएंगी। सही है। इसी तरह जैसे कॉफ़ी वाला बंदा है ना कोई, तो वो घर से निकलेगा तो वो खाली कप लेके निकलता है, खाली कप लेके निकलेगा, जाके रखेगा, बोलेगा भाई भर दे, और साथ में कोई ब्राउनी श्राउनी या कोई सैंडविच वगैरह उसी से ले लेगा स्टारबक्स से ही, और बस वो खाता खाता जो है वॉक करता हुआ चला जाएगा, या बस पे चढ़ना है उसने तो बस पे चढ़ जाएगा खाते हुए। बस पे ज़्यादातर लोग खाने पीने खाते पीते हुए जा रहे होते हैं वहाँ पे। हाँ नहीं, आप अभी सही हो गई है बसें वगैरह तो। अच्छा तो मैं ये बता रहा था कि यूएसए के अंदर भी ना ये जो बाहर से खाने वाला रिवाज है ना, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो पिज़्ज़ा की जो कटिंग है ना वहाँ पे, क्योंकि देखो सुबह तो ये सीन हो गया कि निकले और खाते हुए चले गए, रात का क्या सीन होगा? रात का सीन ये होता है कि या तो पिज़्ज़ा लेते हुए घर आ जाते हैं रात के खाने में, या तो घर आने के बाद ना, जैसे घर आने के बाद अब बंदे ने फ्रेश होना है, फ्रेश होने में लगते हैं 15 मिनट, तो घर आते ही फ़ोन मार देते हैं कि चल भाई ले आ पिज़्ज़ा, और वो डिलीवरी भी बहुत क्विक है वहाँ पे, बहुत इस मामले में बहुत कड़क चल रहे हैं वो, तो वो उसको फ़ोन कर देते हैं कि यार एक लार्ज पिज़्ज़ा लेकर आ जा अगर दो बंदे हैं, तो वो जितने में फ़्रेश होते हैं इतने में वो घंटी बजाता है तो वो ले आता है पिज़्ज़ा। तो वहाँ पे ना ये वाला सीन बहुत है कि आप कॉल करते हैं डायरेक्ट पिज़्ज़ा की दुकान में, आपको पता होता है कि मेरे ब्लॉक में कौन सा पिज़्ज़ा वाला है, यानी जो मेरे उधर बहुत हैं, मतलब एक एक गली में दो दो पिज़्ज़े वाले भी दिख जाएंगे आपको, यानी मोहल्लों में, जैसे हमारे यहाँ मोहल्लों में होते हैं ना पान की दुकान होती है, या जैसे परचून की दुकान हमारे यहाँ होती है ना, तो इस तरह वहाँ पे ना मोहल्लों के अंदर जो है पिज़्ज़े की दुकान होती है छोटी छोटी, जैसे हमारे वो है ना पड़ोस की खाला की दुकान से अंडा लेके आ जाओ जाके, ये होता है ना, तो इस तरह वहाँ पे खाला ने दुकानें खोली होती हैं पिज़्ज़ा वीज़ा की, इस तरह भी मामला चल रहे हैं वहाँ। पिज़्ज़ा सस्ता है वहाँ पर, पिज़्ज़ा सस्ता नहीं है वो भी, $2 का है ये वाला सीन है, $2 3 का पिज़्ज़ा है, तो उसमें ये होता है कि जी हमारे यहाँ भी वही 1000-1200 का ही है, यही है ना रेट, तो सेम ही है हमारे यहाँ भी, तो उनको ज़रा फिर $20 कमाने वाले बंदे हैं वो, तो दो सुबह खाया उसने तो वो दो तीन वो शाम को खा लेगा, तो $5 में निमट गया वो पूरे दिन का उसका सीन। तो बाकी अगर घर में पकाएगा वो तो वो भी $2 का ही है, गोश्त अगर किलो खरीद के लाएगा तो वो भी $2 का है, तो वो लेकिन पकाने में उसको टाइम लगता है, मेहनत लगता है, तो वो ये वाला सीन है। तो भाई वो उनके यहाँ ना ये कॉल करने वाला रिवाज उनके यहाँ बहुत है, हमसे कहीं ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी ये वाली आवाम मौजूद है जो कॉल करके पिज़्ज़ा मंगाती है, तो चैट बॉट में जो काम हो रहा है ना वो उनको पता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि यार ये टारगेट मार्केट बता दी कि ये वो लोग हैं जो टारगेट मार्केट होंगे इसके, अगर कॉल वाला बॉट बनता है या इवन बात करने वाला भी बॉट बनता है वो, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर गली के कोने पे जो खाला ने खोली हुई है पिज़्ज़ा की दुकान, तो उन्होंने लगाया हुआ है क्यूआर कोड कि यार टॉक टू दिस चैट बॉट ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि बड़ा बड़ा नंबर लगाया होता है तो वह बड़ा सा क्यूआर कोड लगा देगी वो। अब क्या होगा कि जी आसपास के मोहल्ले के बंदे जो क्या करेंगे, आते जाते क्यूआर कोड स्कैन मार लेंगे और वो बात करेंगे, या वो व्हाट्सएप का नंबर हो कि अगर उस पर कॉल करो तो कॉल लगे, अगर बात करो तो वो चैट बॉट बात कर रहा हो। व्हाट्सएप पे चैट बॉट एपीआई से इंटीग्रेट होता है, बिजनेस एपीआई है व्हाट्सएप की, पेड है वो, ठीक है। हाँ, कार्ड वहाँ भी लगेगा। हाँ कुछ नहीं देते टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए कुछ भी नहीं देते। नहीं तो इंग्लिश समझता है ना चैट बॉट, सारे मसला ही आजकल इंग्लिश समझ रहे हैं, अभी दूसरी लैंग्वेजेस वाला आया नहीं है, इंग्लिश में बात करो समझेगा वो, क्यों नहीं समझेगा। अच्छा वो मैं समझ गया, वो किसी और चीज़ के लिए बना हुआ होगा, तुम उससे कुछ और बात कर रहे हो ना, सही है, तो वो देख लेंगे हम। अब कम हो गई है, इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ये बात कर रहा है कि यार जो काम हम वेब्स में किस तरह करते थे वो चैट बॉट में हम किस तरह करते हैं, ये लास्ट हमारी हेडिंग है, उसके बाद हम मूव कर जाएंगे, वो मैक्सिम्स वाला जो है ना उस पर हम मूव कर जाएंगे। अच्छा, प्रॉब्लम पेजेस विद लार्ज नंबर ऑफ नेविगेशन ऑप्शंस। अब क्या होता है कि जी एक मेरे पास पेज है, फ्रंट पेज है एक, है ना, जो वेबसाइट ओपन होते ही खुलता है, अब उसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, अगर बहुत ज़्यादा नेविगेशन बार में बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं, तो उसका क्या करते हैं? मिसाल के तौर पे एक ऐसा पेज है जो एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें 200 पेजेस हैं,
एक तो है ना 4 पेज की वेबसाइट है, जो पिज़्ज़ा की दुकान है, होम, अबाउट, गैलरी, कॉन्टैक्ट, बस एक है, 200 पेजेस हैं। तो उसमें क्या करते हैं, तो वेब में उसका जो सॉल्यूशन है कि हाइड देम बिहाइंड ड्रॉप डाउन्स और हैम बर्गर मेन्यूज़। जैसे यूट्यूब की अगर हम बात करें तो यूट्यूब में देखें आप कितने सारे पेजेस हैं, यूट्यूब स्टूडियो में खास तौर पे, ये यूट्यूब का स्टूडियो खुल गया। आप देखें ये लाइव पोस्ट प्लेलिस्ट पॉडकास्ट, इधर ये क्रिएट का बटन लगा रहा है, इसके अंदर ये 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं, सही है, और ये साइड बार के अंदर ये इतने सारे आ रहे हैं, एनालिटिक्स, कमेंट्स, सबटाइटल्स, समझ रहे हो। तो उसको ऐसे डिवाइड किया है इन्होंने, ये हैम बर्गर के अंदर इसको हाइड किया हुआ है, इसको हैम बर्गर में हाइड किया हुआ है, या ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर, दिस इज़ कॉल्ड ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। वैसे ड्रॉप डाउन तो नहीं है ये, लेकिन काइंड ऑफ ये ड्रॉप डाउन ही है, नहीं ड्रॉप डाउन ये नहीं होता, ड्रॉप डाउन दूसरा होता है, हाँ पॉपअप कह सकते हैं इसको, मेन्यू कहते हैं जस्ट, ठीक है। सिर्फ मेन्यू बोलेंगे तो वो ये वाला कहते हैं डिज़ाइन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना इतने सारे ये मेन्यू शेन्यू आ गए, तो इसमें वेब में इन्होंने क्या किया है, वेब में इन्होंने ये किया हुआ है कि इसको आप हाइड कर देते हैं डिफरेंट चीज़ों के पीछे। अच्छा वॉइस के अंदर जो है ना, इसका क्या है सीन है कि भाई मेक द ऑप्शन डिस्कवरेबल एंड इंट्यूटिव। मिसाल के तौर पे अब एक चैट बॉट में हमारे पास जो हमने लास्ट होटल बुकिंग का चैट बॉट बनाया था हेलो वर्ल्ड करते हुए, उसमें हमारे पास 3 काम करता था वो, है ना। नंबर 1 क्या करता था, होटल का रूम बुक करता था। नंबर 2 स्टेटस चेक करवाता था वो, और नंबर 3 कंप्लेन या फीडबैक लेता था वो। अच्छा जिसमें से हमने सिर्फ होटल बुकिंग वाली चीज़ कर ली थी, लेकिन स्टेटस वाला और वो दूसरा वाला हमने किया नहीं था, वो अभी करेंगे इंशाल्लाह हम, जब ये हेलो वर्ल्ड तो कंप्लीट हुआ है हमारा, अभी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ के फिर हम वापस उसके ऊपर आएंगे कोडिंग पे, तो वहीं से उसको कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। तो हमने लेकिन जो ग्रीटिंग का मैसेज दिया था उसमें, उसमें हमने ये नहीं बोला था, तीनों बातें नहीं बताई थी हमने। अच्छा अभी तो 3 ऑप्शन था, अभी 300 भी हो सकता है ना। जैसे अभी के इलेक्ट्रिक का जो आप चैट बॉट है वो आप चलाएंगे, तो वो 0 से लेके वो 9 तक का दे देता है कि जी वो बिल के डुप्लीकेट और न्यू कनेक्शन और पता नहीं वो कंप्लेन और पता नहीं वो 4, वो सारा एक लाइन से। तो ये इस तरह का चैट बॉट भी होगा आपके पास, जिसमें आपके पास क्या होंगे, सिर्फ 3 ही ऑप्शन नहीं होंगे बल्कि 300 ऑप्शन होंगे। हाँ व्हाट्सएप का है उनका, उसको यूज़ करना, देखना जो मोबाइल ऐप है वही वाली API पीछे चैट बॉट पर लगाई हुई उन्होंने, जो काम सारे मोबाइल ऐप से होते हैं ना वो सारे चैट बॉट से हो जाते हैं। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ तो उसको हम क्या करते हैं, हम ग्रीटिंग के मैसेज में वो सारा नहीं बताते, क्योंकि के इलेक्ट्रिक का चैट बॉट तो वो 0-1-2 प्रेस वाला है ना, वो तो बेकार है, ये NLP वाला तो वो है नहीं, वो के वो करे वो तो बोलते हैं 0 से लेके 9 तक ये मेन्यू है, वो 1 दबाओ तो अंदर उसके बाद 0 से लेके 5 तक का मज़ीद एक मेन्यू आ जाता है, तो वो जस्ट लाइक फॉन्ट ट्री उन्होंने मतलब सीधा सीधा काम किया हुआ, ठीक है। हम तो लेकिन NLP वाला बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जो ग्रीटिंग का मैसेज होता है ना उसमें, वो ज़ाहिर है 200 के 200 तो नहीं बताएंगे ना, 200 के 200 अगर बता दिए कि भाई हेलो आई एम के इलेक्ट्रिक चैट बॉट, और फिर आई आई यू कैन आस्क मी टू मेक डुप्लीकेट बिल, यू कैन कंप्लेन, और वो इस तरह में अगर 9 ऑप्शन मैंने बताने शुरू कर दिए, तो 2 प्रॉब्लम होगी इससे। नंबर 1, इट वुड बी वेरी लेंदी ग्रीटिंग मैसेज, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। नंबर 2 ये हो जाएगा कि वो जो बंदा है ना सामने वाला, एक तो लेंदी सुनने का टाइम नहीं है ना किसी के पास, ये पढ़ने का टाइम नहीं है, और अगर पढ़ भी लेता है वो तो उसके लिए ओवरवेलमिंग हो जाएगा वो, ठीक है, तो ये मसला हो जाएगा। तो हम ये कभी भी नहीं कर सकते। हमने क्या करना होता है कि हम उसको डिस्कवरेबल बनाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे किस तरह हम डिस्कवरेबल बनाते हैं, कि एक बंदा मेरे पास चैट बॉट पे आया, तो अगर के इलेक्ट्रिक के चैट बॉट पर कोई आ रहा है तो मोस्ट प्रॉबली वो क्या करने आ रहा है। अच्छा ये डेटा उनके पास होता है पहले से, कि मोबाइल ऐप तो चल रही थी ना, सेम सारा काम मोबाइल ऐप में होता था, तो मोबाइल ऐप में ज़्यादातर बंदे उस ऐप को खोल के क्या काम करते थे, ठीक है, आया के कंप्लेन करते थे ज़्यादातर, या आया कि न्यू कनेक्शन के लिए उस पर से अप्लाई मारते थे, क्या करते थे। तो जो मोस्ट कॉमन 2-3 ऑप्शन है ना वो मैं बताऊंगा ग्रीटिंग मैसेज के अंदर, बाकी नहीं बताऊंगा, हालांकि बाकी भी वो बोलेगा तो वो करेगा, ठीक है। अच्छा बाकी को मैं कब बताऊंगा, या तो वो बोले कि यार शो मी फुल मेन्यू, या वो बोले कि हेल्प, ठीक है, तो मैं उसको पूरा बता दूंगा, फिर पूरी एक गाइड उसके सामने खोल के रख दूंगा कि यार ये इसमें काम हो जाते हैं सारे। लेकिन अच्छा मोस्ट प्रॉब्ली वो ये नहीं बोलेगा, ठीक है, हम ये भी अज्यूम करते हैं। तो वेल ग्रीटिंग मैसेज हुआ,
जैसे कि होटल बुकिंग की अगर हम बात करें, तो होटल बुकिंग में बंदा रूम बुक करने आएगा मोस्ट प्रॉब्ली, तो रूम बुकिंग जैसे कंप्लीट होगी, तो रूम बुकिंग कंप्लीट होने के बाद ना, मैं उसको नीचे जो ग्रीटिंग मैसेज, जो लास्ट उसको मैसेज दूंगा मैं कंफर्मेशन का कि यार योर रूम इज़ बुक्ड और इतना इतना इतना, और थैंक यू फॉर यूजिंग दिस ऐप, यू कैन ऑल्सो चेक स्टेटस और गिव फीडबैक, इस तरह से मैं उसको बोल दूंगा कि आप ये भी काम कर सकते हो। तो इसको मैंने क्या बना दिया, डिस्कवरेबल बना दिया कि मेन्यू को डिस्कवर कराऊंगा मैं। अच्छा, एक अप्रोच और भी करता था मैं, वो शायद पता नहीं किसी हद तक है अच्छी हो या नहीं है, ये करता था कि भाई जो मोस्ट कॉमन है ना, वो कोई एक चीज़ होती है मोस्ट कॉमन, वैसे तो यानी टॉप थ्री या टॉप टू जो भी उठा लो आप, तो मिसाल के तौर पे अगर मुझे चार आइटम दिखाने हैं ग्रीटिंग के मैसेज में, तो मैं क्या करता था कि दो वाला जो है वो फिक्स कर देता था। जैसे अब होटल बुकिंग के अंदर करें कि रूम बुक करेगा बंदा या स्टेटस चेक करेगा, ये दो चीज़ें, तो इसको दो को मैंने कर दिया फिक्स। बाकी का जो दो है ना सात वाला उसके, वो उसको मैं कर देता था डायनेमिक, कि बाकी जितने भी 300 मेन्यू के ऑप्शन है ना, उसमें से रैंडमली दो उठाएगा हर दफ़ा वो, तो जब जब बंदा हाय बोलेगा, तो जब जब उसको उस सेंटेंस के अंदर एक नया फीचर पता लगता जाएगा, वो जितनी दफ़ा बात करेगा उसमें हाय में वो चार मेन्यू जो आएंगे ना, वो दो फिक्स होगा और दो डायनेमिक होगा, तो वो बदल बदल के आएगा। ठीक है, फिर इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना कि वो डुप्लीकेट ना हो जाए, ये सब ख्याल रख के और उसको चला दिया। तो इससे ये होगा कि बंदा जितनी दिन से चैट बॉट यूज़ करता जाएगा, उसकी ट्रेनिंग भी साथ साथ होती जाएगी, उसको पता चलता जाएगा अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है। अच्छा, फॉर्म्स टू फिल आउट, वेब के ऊपर आपको लंबे लंबे फॉर्म हो सकते हैं आपके पास, जिसको आपको फिल करने की ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली। अच्छा, क्या कर सकते हैं जी, आस्क यूज़र टू फिल आउट इंफॉर्मेशन इन एग्जैक्टली द राइट ऑर्डर, इन एग्जैक्टली द राइट प्लेस, इन एग्जैक्टली द राइट फॉर्मेट। ये हम वेब में करते हैं कि यानी फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन लगा देते हैं। ठीक है, वैलिडेशन लगा के हम क्या कर देते हैं, राइट ऑर्डर में उससे फॉर्म फिल करवाते हैं। राइट ऑर्डर में का मतलब ये है कि पहला जो फॉर्म खोलते हैं वो उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल होता है, फिर वो नेक्स्ट दबाता है तो वो अगले पे जाता है कि भाई ये तीनों बताओगे आप, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल बताओगे अपना। तो ईमेल बताने के बाद जैसे ही नेक्स्ट प्रेस करते हो, तो ईमेल अगर अवेलेबल नहीं है वहीं रोक देता है आपको वो। ठीक है, तो एग्जैक्टली द राइट प्लेस और एग्जैक्टली द राइट फॉर्मेट, कि एक तो ईमेल गलत लिखी है तो वहीं रोक देगा, फॉर्मेट आपका सही नहीं है। ठीक है, और ईमेल के ही खाने में ईमेल लिखोगे, राइट प्लेस, ईमेल के ही खाने में ईमेल लिखना है आपने, कहीं और नहीं लिख सकते आप। ठीक है, तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिर जो भी एग्जैक्ट फॉर्मेट में आपको, जब तक आप सही डेटा नहीं लिखते वो आपको आगे नहीं जाने देता। ठीक है, बावजूद इसके कि उसको ओवरराइट किया जा सकता है, राइट इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं उसका टाइप हटा दूँ तो कुछ भी लिख के आगे कर दूँ, लेकिन वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि इस तरह से ना बंदे को स्ट्रिक्टली वो फिल करवा लेते हैं। प्रोवाइड यूज़र विद डिफरेंट ऑप्शन एंड आस्क, नहीं ये तो दूसरा आ गया ना, ये आपका फॉर्म फिल आ गया। यही काम हम चैटबॉट में कैसे करते हैं, हैंडल इनपुट इन नेचुरल वे, कि हम एक तो यूज़र जो बात कर रहा है ना नेचुरल लैंग्वेज में जो बात कर रहा है, उस तरह से हम उससे बात करते हैं। कंसिडरिंग दैट व्हाट इज़ नेचुरल कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अब वो नेचुरल वे जो है, कुछ बंदे चीख के ही बात करते हैं हमेशा, ठीक है, कुछ बंदे टॉन्ट करके ही बात करते हैं, तो उनके नेचुरल भी जो है ना पर्सन टू पर्सन ये कह रहा है वेरी करेगा, लेकिन स्टिल अगर मैं होटल बुकिंग की बात कर रहा हूँ, तो अगर बंदे ने, नाम पूछ रहा हूँ उस बंदे का मैं, तो बंदा नेचुरल लैंग्वेज में नाम बताएगा अपना। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि बंदा स्पेलिंग पूरी करे और वो इस तरह से नहीं कर सकता मैं, ये करेक्ट स्पेलिंग तरह की कोई चीज़ नहीं है मेरे पास। जब चैट बॉट में बंदा बोलेगा ना कि माई नेम इज़ माइक, तो माइक की जो भी स्पेलिंग होती है वही है, करेक्ट स्पेलिंग नहीं है कि जी MMIKKE नहीं है उसके अंदर, MIKE माइक होता है तो वही रहेगा। ठीक है, मिसाल के तौर से मलिक की स्पेलिंग कुछ लोग लिखते हैं MALICK लिखते हैं, ठीक है, तो वो सी के वाला अब वो नहीं कंसिडर करेगा, वो MALIK जो नेचुरल स्पेलिंग है वही करेगा कंसिडर। ठीक है, तो नेचुरल वे में हम उससे बात पूछ रहे होते हैं सारी। अच्छा, इसी तरीके से नेचुरल वे में हम क्या क्या चीज़ें इनपुट नहीं ले सकते, नेचुरल लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें इनपुट हम नहीं ले सकते, कौन बताएगा ये? जैसे मैंने पूछा सामने से कि यार अपना फ़ोन नंबर बताओ अपना, तो आप बता पाओगे नेचुरल वे में, मुंह से बोल के बता पाओगे सामने वाले बंदे को, एज बता पाओगे, नाम बता पाओगे, अपना एड्रेस भी बता दोगे आप, हाँ ज़ीरो को नहीं, तो वो नेचुरल लैंग्वेज में प्रोसेसिंग हो जाएगी ना उसकी। एक बंदा दूसरे बंदे को क्या चीज़ नेचुरल लैंग्वेज में नहीं बता सकता,
जब बताता है तो बड़ी मुश्किलों से बताना पड़ता है। ईमेल बता सकते हो दूसरे बंदे को सामने से। अच्छा अगर तो ईमेल आसान है कि malik@gmail.com, तो ये तो मैंने बता दिया। लेकिन ईमेल के अंदर आप इमेजिन करें कि जितने पॉसिबल कैरेक्टर्स उसमें लगाए जा सकते हैं ईमेल के अंदर, उसको कंसिडर करें आप। ठीक है, हम यहाँ पे अभी चेक कर लेते हैं कि कैरेक्टर्स अलाउड इन ईमेल। ठीक है, लोगों ने यही सर्च किया हुआ है। ये सारे वो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो ईमेल के अंदर अलाउड हैं। ठीक है, तो अगर यही मेरा ईमेल एड्रेस है, yahi@gmail.com, तो क्या बोलूँगा कि वही जो यहाँ लिखा हुआ है। बचपन में हमारे दोस्त पता है ईमेल कैसी बनाते थे? वो लिखते थे डॉलर किंग, फिर उसके बाद डॉलर, और उसके बाद जो ना ये स्लैश और ये डैश करके ना एक डांस करता हुआ यूँ बंदा बनाते थे। उसके बाद होता था @, उस वक्त पता नहीं रॉकेट मेल याहू मेल पता नहीं चलता था। अच्छा बता सकते हैं मिस्टर लिए? नहीं, सिंबल्स के नाम भी बताऊंगे, लेकिन इसको शायद बताना कहीं ज़्यादा मुश्किल रहेगा। फ़ोन नंबर में ऑन अदर एंड सिर्फ नंबर होते हैं। ठीक है, अच्छा डैश वैश भी लिखा होता है, लेकिन वो डैश एक्चुअली कंसिडर नहीं किया जाता, वो जस्ट रीडेबिलिटी के लिए लिखा जाता है वो, है ना। तो अगर मैं उसको बोलूँ ना कि +92 ऐसे करके और पूरा नंबर बता दूँ मैं उसको, तो वो उसको प्रोसेस करना निस्बतन आसान है। ईमेल को प्रोसेस करना ना इस वक्त ज़रा मुश्किल है। यही वजह है कि डायलॉग फ्लो के अंदर जो बिल्ट इन एंटिटीज़ हैं उसके अंदर ईमेल मौजूद नहीं है। ईमेल आमतौर पे हम नेचुरल वे में इनपुट नहीं ले रहे होते, नाम ले लेते हैं, एज ले लेते हैं, उसमें हमने सिटी का नाम, वो फ्लाइट नंबर वगैरह, मूवी का नाम, ये सब चीज़ें। ईमेल है? नहीं है ईमेल। वेल, वो लिख के अभी तो देखो लिखने वाला चैटबॉट बनाया ना हमने, तो लिखने वाले में तो सही है वो, ठीक है, लेकिन जब वॉइस वाला हम करेंगे ना तो उसके अंदर हम ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वॉइस वाले की बात हो रही, लिखने में तो आप कुछ भी लिख के दे सकते हो ना। तो वो असल में जो ईमेल वाली एंटिटी है वो ईमेल को वैलिडेट करेगी, उसका फॉर्मेट अगर होगा ना पकड़ लेगा जी। हाँ मैं वही बता रहा हूँ अभी कि अगर वॉइस एप्लीकेशन में आपने ईमेल इनपुट लेना होता है ना, तो आप क्या करते हो कि या तो लॉग इन विथ वगैरह कोई सीन करते हो आप, उसको आप एक URL देते हो कि यार ये URL पे क्लिक मारो आप और लॉग इन विथ का आ जाएगा, लॉग इन विथ कर लो आप। सही है, इस तरह होता है। या मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आप पहले अकाउंट बनवा लेते हो उससे शुरू में ही, मतलब आपने दो चार बातें की ना और बंदे ने फिर हेलो हाय किया, उसने बोला यार आपका होटल बड़ा अच्छा है, कहाँ पर है ये, आपने एड्रेस बता दिया, फिर आपने उसने पूछा कि यार ये होटल जो है ना ये 3 स्टार है या 5 स्टार है, तो आपने बोला भाई 3 स्टार होटल है हमारा, लेकिन हमारे पास ये फैसिलिटी हैं जो 4 स्टार वाली भी हैं, ये आपने बता दिया उसको। फिर उसने बोला कि अच्छा यार ये बताओ कि आपके पास जो है ना एग्जीक्यूटिव रूम है, होते हैं आपके पास? उसने बोला हाँ होते हैं। अब ये दो चार बातें करके ना, सारी बातें करके उसने बोला चलो यार रूम बुक करो। तो रूम बुक करते ही मैं क्या करता हूँ उसको, मैं उसको बोलता हूँ कि यार पहले ना आप अकाउंट बना लो, पहले आप क्या कर लो अकाउंट बना लो। अब अकाउंट में मैं उससे कुछ भी नहीं पूछता, अकाउंट में मैं उससे पूछता हूँ सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड, जो बेसिक, बिल्कुल सबसे बेसिक है। ये पूछ के उसका अकाउंट बना देता हूँ। जैसे ही वो अकाउंट बनाकर आता है ना, मैं उसको फिर ग्रीट करता हूँ कि हाय एलेक्स, लेट्स बुक होटल, या इस तरह की को बात करता हूँ मैं। अब जब वो बोलता है ना बुक होटल, तो उसका मुझे ईमेल पता है, उसका मुझे नाम पता है, ये दोनों चीज़ें मुझे इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं होती हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस तरह कर रहे होते हैं। अगर व्हाट्सएप का चैट बॉट है तो वो तो लिख के चलता है ना सारा का सारा, तो उसमें मैं बोल दूंगा कि यार अपना ईमेल बता दो आप, उसमें मुझे फिर ये लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये केस टू केस वेरी करेगा ना। अभी स्टिल इसमें मार्केट ज़रा डिवाइडेड है, इसमें अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि यार ये क्या काम किस तरह होगा। टूल्स तो लोगों ने बना दिए हैं। अब जैसे देखो डायलॉग फ्लो के अंदर ना, ये सही कह रहा है, ईमेल की एंटिटी इसमें मौजूद है, लेकिन वो ईमेल की एंटिटी चलती है सिर्फ टेक्स्ट बेस वाले के ऊपर। अगर वॉइस में मैं बोलूँ ना तो सिंपल ईमेल तो पकड़ भी लेता है वो, जैसे malik@gmail.com बोलूँ ना पकड़ देगा वो, लेकिन जब इस तरह की ईमेल आ जाएगी ना फिर नहीं पकड़ेगा वो।
तो लिहाजा फिर उसको इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हम, सही है। तो वॉइस के अंदर ये चीज़ें ज़रा मसला है। अच्छा, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, प्रोवाइड यूज़र विद डिफरेंट ऑप्शन एंड आस्क देम टू डिसाइड द मोस्ट रेलिवेंट ऑफ देयर नीड। अच्छा, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या चीज़ है? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल ये होता है कि जैसे गूगल पे आपने लिखा ना कि कार, आपने गूगल पे कार लिखा और सर्च मारा, तो आपके सामने रिजल्ट्स आते हैं, कितने आते हैं? पहले पेज पे शायद 20 रिजल्ट दिखाता है वो। ये आपने लिखा कि यार हु इज़ द, यहाँ पे आपने लिख दिया कि यार हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ फलस्तीन, लिख देते हैं चलो फिलहाल, ठीक है। तो ये आपके सामने इसने रिजल्ट कितने सारे दिखा दिए कि इसमें से जो भी रेलेवेंट लग रहा है ना वो देख लो आप, सही है, ये सारे रिजल्ट दिखा दिए उन्होंने। अच्छा अच्छा ये वाला पार्ट ना, ये पहले गूगल में नहीं होता था, सही है, ये वाला पार्ट गूगल ने अभी ऐड किया है, ठीक है। और इसके अंदर आपके भाई का भी नाम आता है, सिर्फ इंतजाम मलिक लिखने से आता है आई थिंक, सही है, आ गया भाई, इसने बोला भाई इंतजाम मलिक चैट बॉट वाला है ये, और यहाँ पे अबाउट भी आ गया, पता नहीं कहाँ से आता है, मैंने खुद कल देखा ये, मैंने खुद ही कल देखा है, मैंने कहा ऐसे ही लिखा इंतजाम मलिक लिखा ना, बच्चों को मैं बताता हूँ ना यार इंतजाम मलिक लिखो सामने आ जाएगा चैनल, तो उस किसी को मैं लिख के दिखा रहा था कि यार लिखा और ये सामने आ गया, ऐसे करके कर लो, तो वो मैंने देखा अरे यहाँ अलग से लिख के दिखा रहा है मेरा नाम ये, मैंने कहा चलो सही है भाई गुड। अच्छा हाँ, वो गिटहब वाला ही वैसे ला रहा है जो यूज़र है, अपवर्क में भी सेम बात लिखी हुई है मेरे, अपवर्क में, गिटहब में और दो तीन जगहों पे मैंने सेम बात लिखी हुई है। अच्छा हाँ, तो ये इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो है ना भाई आपका, जो गूगल पे जब आप सर्च मारते हो या इस तरह कहीं सर्च मारते हो तो वहाँ पे आपके पास 10, 12, 15 रिजल्ट्स स्क्रीन पे आ जाते हैं और यूज़र डिसाइड करता है कि मोस्ट रेलिवेंट इसके अंदर से कौन सा वाला है। लेकिन चैट बॉट में आप ये काम नहीं कर सकते, चाहे वो टेक्स्ट बेस हो चाहे वो वॉइस एप्लीकेशन हो, अभी तो हम वॉइस एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। सिग्निफिकेंटली लिमिट द नंबर ऑफ रिजल्ट्स दैट कम बैक, सबसे पहले तो आपको रिजल्ट दिखाना है एक या दो, बस इससे ज़्यादा नहीं, सही है, रिजल्ट एक या दो। मिसाल के तौर पे आपने पूछा कि यार हु इज़ द मोस्ट फेमस सिंगर, इस तरह की कोई बात आपने कर दी, तो सामने से एक रिज़ल्ट आना चाहिए या दो आने चाहिए बहुत ज़्यादा बस, या तीन आ जाए बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो इसने कहा कि सिग्निफिकेंटली लिमिट करना पड़ता है हमें नंबर को, ऑफन लिमिट देम टू ओनली वन रिज़ल्ट, कि आइडियल तो ये हो कि सिर्फ एक आए, दैट रिज़ल्ट नीड टू बी रेलिवेंट। अच्छा, अब अगर हम चैट बॉट के अपने होटल बुकिंग वाले के केस में बात करें, बंदा अगर अपने ऑर्डर का स्टेटस पूछता है ना कि यार मेरा रूम मेरे नाम से क्या बुक है या नहीं है, तो वो सामने से यस नो बोल दे, दैट्स इट, सही है। इस तरह का कभी कोई सिचुएशन ना हो कि यार जो है ना, जैसे अगर वेब में ये काम होता है कि यार मैं पूछूं कि यार स्टेटस क्या है मेरा, जैसे होटल की मैं वेबसाइट पे गया और वहाँ पे मैंने जाके माई बुकिंग्स में जाऊँगा मैं, तो वहाँ पे माई बुकिंग्स में क्या होता है, माई बुकिंग्स में मुझे वो एक लंबी लिस्ट दिखा देता है जिसमें मेरी अगली पिछली सारी बुकिंग्स आ रही होती हैं, तीन चार, जो पहले वाली होती हैं सारी उसमें लिखा होता है कि कम्प्लीटेड कम्प्लीटेड, और सबसे पहले वाली पे लिखा होता है कि भाई रिजर्वेशन कन्फर्म, ऐसे करके लिखा हुआ होगा उसमें, तो मुझे पूरा दिखा देता है वो। तो चैट बॉट में मैं ये काम नहीं कर सकता, चैट बॉट में मुझे जो पूछा गया सर वो बताऊंगा मैं, ज़्यादा लंबी बात की मैंने, अच्छा ज़्यादा लंबी बात करने का एक तो किसी के पास टाइम नहीं है, अगर आपने टेक्स्ट में भी लंबी बात कर दी या आपने वॉइस में भी लंबी बात कर दी तो वो इतना लंबा वो पूरा मज़मून सुनाएगी सामने से, तो ये किसी के पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। और दूसरा ये कि फिर जो है ना ओवरवेलमिंग भी होगा, अब मिसाल के तौर पर बंदे ने पूछा कि भाई मेरे रूम की बुकिंग का क्या स्टेटस है, अब आपने उसको पिछले 3 महीने की भी बुकिंगें बता दी अगर, तो वो तो मिक्स ही हो जाएगा, मिक्स होकर गुम हो जाएगा वो, अगर वो मिसाल के तौर पर बहुत अर्जेंट भी है उसके लिए और वो टाइम स्पेयर कर रहा है कि मैं पूरा सुन लूँ इस बात को जो भी कह रही है ये, लेकिन वो जब पूरा सुनेगा ना वो बोलेगा अच्छा रूम बुकिंग नंबर इतना इतना, बुक फ्रॉम 9 मई, अरे 9 मई तो 2 महीने पहले था, वो कहेगा अरे नहीं नहीं ये नहीं है, फिर वो अगले पे आएगा, फिर वो जब 3-4 पे इस तरह होगा ना, चौथे पे जाएगा उसको अपना वाला दिखेगा, तो जब तक उसका दिमाग शार्ट हो चुका होगा तो उस मतलब ओवरवेलमिंग हो जाएगा उसके लिए कि यार ये इतने सारे क्यों बता दिए इसने, ठीक है। अच्छा
अच्छा, अब हमने जो अगला पढ़ना है ना, वो पढ़ना है हमने डिजाइनिंग द वॉइस इंटरफेस, ये पढ़ना है हमने, ठीक है? क्योंकि डिज़ाइन एस्पेक्ट जो होता है किसी भी चीज़ का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है? अच्छा, तो इसको अभी पढ़ लिया जाए आज ही, ताकि नेक्स्ट हम कोडिंग पे मूव करें। ये हमारा टॉपिक तकरीबन 45 मिनट का होगा ऑलमोस्ट, तो इसको अभी पढ़ लिया जाए। अभी 11:11 हो रहे हैं, क्लास तो नहीं है कोई मेरे ख्याल आई यहाँ पर अभी। चलो तो इसको अब अभी भी डिस्कस कर लेते हैं। सही है जी। अच्छा, कह रहे हैं कि यार द अर्ली यूज ऑफ ईच न्यू टेक्नोलॉजी टेंड्स टू मिमिक ओल्डर मीडियम। कह रहे हैं कि किसी भी जो भी नई नई आती है ना चीज़, जो नई टेक्नोलॉजी आती है, वो क्या करती है, वो मिमिक करने की कोशिश करती है उससे पहले जो टेक्नोलॉजी मौजूद थी उसको। कह रहे अर्ली रेडियो प्रोग्राम्स वर लाइक प्लेज यू कुड लिसन टू एट होम, ठीक है? प्ले समझते हो ना, प्ले किसको कहते हैं, जिसको आप मूवी कह सकते हो अभी या ड्रामा कह सकते हो, ठीक है, उसको प्ले कहते हैं एक्चुअली। तो स्टेज के ऊपर आप जाके ना, मतलब पहले तो स्टेज पे होते थे प्ले, कि भाई 2-3 रियल बंदे खड़े होते थे और वो कुछ प्ले करके दिखा रहे होते थे। तो वो कह रहे हैं कि जो अर्ली रेडियो थे, असल में उसकी जो उसका जो आइडिया था वो ये था कि अब ये एक ऐसा प्ले है जो आप घर में बैठे बैठे सुन सकते हो, आपको थिएटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? उसमें सॉन्ग्स आ रहे होते थे, उसमें ड्रामे आ रहे होते थे, बाकायदा उसमें मूवीज़ भी आ रही होती थी, ठीक है? रेडियो के ऊपर मूवी मैंने खुद सुनी है बचपन में। तो और रेडियो के लिए जो मूवीज़ बनाई जाती थी वो ज़रा और तरह की होती थी, मतलब वो ऐसी होती थी कि ऑडियो में आपको हर चीज़ पता लग जाती थी, ठीक है? फिर जो हमारे जो देसी रेडियो हैं, उन्होंने कभी वो दबंग वाली मूवी भी इसके ऊपर चलाई भी होती थी कभी कभी। हालांकि दबंग मूवी जो स्क्रीन के लिए बनी हुई है, लेकिन उन्होंने रेडियो पे चलाई भी होती थी। तो अच्छा, अर्ली वेबसाइट ट्राई टू टेक क्यूज फ्रॉम कंप्यूटर डेस्कटॉप विच इट्सेल्फ वाज बेस्ड ऑन अ फिजिकल डेस्कटॉप, ठीक है? अच्छा, दिस स्टेज इज नेवर प्रिंट, पता नहीं क्या लिखा है मुश्किल सा इसने। इट इज़ द सेम वॉइस फर्स्ट अर्ली एफर्ट्स ऑफ द गाइडेंस में वेब। अच्छा, ये कह रहा है कि यार आप जैसे कैमरा है ना, कैमरा मोबाइल में जो होता है, तो कैमरे में भी क्या होता है कि वो कैमरे की जो ऐप है उस पर रियल कैमरा बना हुआ होता है, जो इससे पहले जो एक्चुअल कैमरा, हालांकि वो कैमरा अब यूज़ नहीं होता, जो कैमरा था कि जिसमें वो रील शील्ड डलती थी ना, वो वाली रील डाल के उसके अंदर और उसको पूरा लोड करके घुमा के और फायर करना पड़ता था ना कैमरे को, तो वो वाला तो अभी ऐसे यूज़ नहीं होता। लेकिन अभी भी इसके अंदर अगर मैं देखूँ अपने फ़ोन में, तो इसमें एक्चुअली वही कैमरा बनाया हुआ है इन्होंने, जो ना जो रील वाला होता है, और उसके ऊपर एक वो फ्लैश लाइट भी जलता हुआ दिखाया हुआ है इन्होंने। तो वो कह रहे हैं कि यार मिमिक करते हैं पिछली टेक्नोलॉजी को ना, इसी तरह फ़ोन की जो ऐप है उसमें आप देखेंगे तो वो एक्चुअल वो हाथ वाला फ़ोन उसके ऊपर बना हुआ है, जो तार वाला होता था ना क्रेडल पे रख के और वो घुमाने वाला, तो वो हाथ वाला फ़ोन बकायदा उस पर ग्रीन कलर का बना हुआ है फ़ोन में, फ़ोन की ऐप में, तो वो एक्चुअल में तो यूज़ नहीं होता, लेकिन वो क्या करते हैं उसको मिमिक करते हैं। तो कह रहे हैं कि इसी तरीके से जो चैट बॉट है ना हमारा, वो वेब को मिमिक करता है। चैट बॉट हमारा किसको मिमिक करता है? वेब को। तो अब जो भी चीज़ हम फंसेंगे जहाँ पे भी, या जो भी चीज़ वेब में किस तरह से होती थी, हम उसी को कहीं ना कहीं मिमिक करेंगे, क्योंकि अभी ये सारी होटल बुकिंग, ये सारा जो फाइनेंस का बैंक की ऐप है, ये सारी चलती है सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे। तो हमें इन सबको अगर चैटबॉट पे लाना है तो थोड़ा हमें मिमिक उसी को करना है। अच्छा, बट लर्निंग हाउ यूज़र इंटरफेस, हाउ वॉइस यूज़र इंटरफेस बेस्ट प्रैक्टिसेस आर डिफरेंट विल हेल्प द ड्राइव द कन्वर्सेशन फॉरवर्ड। कह रहे हैं कि अब लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम कोई भी चीज़ UI पे बना रहे होते हैं, वेब में बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो ज़रा डिफरेंट हैं वॉइस वाली UI से, ठीक है? तो वो कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इनके ख्याल में, ऑथर के ख्याल में? वो कह रहे हैं कि वो अगर समझ लेना तो ज़रा आसान हो जाएगा, बात आसान हो जाएगी। अच्छा, अ VUI इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स द बैक एंड फोर्थ द वे ऑफ स्पीकिंग दैट कम्स to gather in voice application to empower user efficiently complete a goal. Think of it as a script, human speaking with computer.
कह रहा है कि अब VUI में आपके पास जो इनपुट होता है वो क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि बैक एंड फोर्थ होते हैं, कि पहले कंप्यूटर बोलेगा फिर आप बोलोगे, फिर कंप्यूटर जवाब देगा फिर आप कुछ पूछोगे फिर वो दोबारा जवाब देगा, तो सवाल जवाब का ये सिलसिला चलता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आप इसको इस तरह से समझें कि एक जो ड्रामा की जो स्क्रिप्ट होती है कि उसमें जो दो कैरेक्टर्स हैं वो बैक एंड फोर्थ कुछ बात कर रहे होते हैं, तो उस तरह की बात हो रही है कि जी ह्यूमन और कंप्यूटर आपस में बात कर रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द अजम्पशन दैट सिट बिहाइंड एवरी ह्यूमन टू ह्यूमन कन्वर्जेशन। कह रहे हैं कि हम एक्सप्लोर ये करेंगे, क्योंकि हमें तो बात करने का एक्सपीरियंस है ना, 100,000 ईयर्स का एक्सपीरियंस है हमें बातें करने का आपस में, तो कह रहे हैं कि हम सबसे पहले जो है ना ये एक्सप्लोर करेंगे कि जब दो ह्यूमंस आपस में बात करते हैं तो वो क्या कहानी है उसकी, उसके अंदर कौन से एस्पेक्ट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, बात को ब्यूटीफुल बना देते हैं। एंड वी विल लुक हाउ वी कैन अप्लाई देम टू ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरफेस। ठीक है, अच्छा, ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस जो है ना, ये एक बड़ा पुराना सब्जेक्ट है, और ये माउस वाउस जो सारे ईजाद हुए ना, ये इसी सब्जेक्ट की देन है ये। तो हम एक्चुअली अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस का डिज़ाइन एस्पेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अगर किसी ने ये इस टॉपिक को मज़ीद पढ़ना हो तो HCI इसका नाम होता है, सही है, HCI लिख के आप सर्च करेंगे तो आपको इसके लेक्चर्स MIT वगैरह के सबके मिल जाएंगे। अच्छा, वी फॉरगॉट द कंप्यूटर साइड ऑफ द फैमिली ट्री, ईदर वी विल लुक एट हाउ अ VUI कंप्यूटर ऑफ इंटरफेस यू आर लाइकली फेमिलियर विथ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। ये क्या इसने लिखा है यहाँ पे, अच्छा इसने कहा कि भाई हम दोनों को कंपेयर करेंगे एक्चुअली। अच्छा जी, VUI फंडामेंटल्स अब क्या है, द बेस ऑफ VUI इज अ कन्वर्जेशनल इंटरफेस। ठीक है, ये बेसिक जो सबसे है ना VUI जो है उसमें कन्वर्जेशनल इंटरफेस होगा, यानी एक ऐसा इंटरफेस होगा जिससे आप बात करेंगे। ठीक है, बात करने वाला, एंड कन्वर्जेशन हैज़ मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स। जो बेस जो है VUI का वो एक कन्वर्जेशन इंटरफेस है, और कन्वर्जेशन में हमेशा एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इन वॉइस एप्लीकेशन देयर आर टू साइड्स ऑफ टू फोकस ऑन। ठीक है, डिवाइस साइड या कंप्यूटर साइड उसको बोल सकते हैं, और ह्यूमन साइड। ठीक है, तो हमारे जो चैटबॉट के केस के अंदर जो वो क्या है, ये दो साइड्स इसके अंदर हैं, दो पार्टिसिपेंट्स हैं। अच्छा, देयर आर नॉट येट वॉइस डिवाइसेस दैट इंजेक्ट इनटू द क्रॉस टॉक बिटवीन टू ह्यूमंस एंड यू कैन थिंक ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग अ साइड ऑफ द कन्वर्सेशन। कह रहे कि अभी इस तरह की डिवाइसेस नहीं आई हैं जिसके अंदर दो ह्यूमन और एक कंप्यूटर, इस तरह की कोई कहानी अभी तक नहीं है फिलहाल। फिलहाल क्या होता है कि एक ही कंप्यूटर होता है और एक ह्यूमन से बात कर रहा होता है एक वक्त में। तो कह रहा है कि आप क्या करो कि जितने भी दुनिया के ह्यूमन बीइंग है ना, उसको आप एक साइड पे खड़ा कर दो और कंप्यूटर को एक साइड पे खड़ा कर दो। अब ये एक कंप्यूटर है, उससे ये सारे के सारे अलग अलग बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बंदा बात कर रहा है तो वो एक वक्त में एक ही वक्त से बात कर रहा है। तो आप इस तरह समझ लो कि पूरी दुनिया के इंसान एक तरफ कर दिए हमने और कंप्यूटर को हमने एक तरफ कर दिया। एज द एप्लीकेशन डिवेलपर यू विल हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन व्हाट कंप्यूटर सेज। कह रहे हैं कि एज अ सॉफ्टवेयर डिवेलपर आपको इस चीज़ का पूरा इख्तियार है कि कंप्यूटर क्या बोलेगा ना, वो आपकी मर्ज़ी के बगैर नहीं बोल सकता, क्योंकि जवाब तो हमने लिखे हैं वहाँ पर सारे लिस्ट बना के कि जी ये जवाब देना है अपना। या अगर मैं जनरेटर बेस्ड जवाब भी उसको दे रहा हूँ तो वो भी, लेकिन मैंने ही उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ कि जी इसे इस तरह से बोलना है। यू वॉन्ट हैव कम्प्लीट कंट्रोल ओवर व्हाट यूज़र सेज। अब बंदा सामने से क्या बोलता है ये इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो कुछ भी बोल सकता है। बट यू मस्ट एंटिसिपेट वट माइट कम इन टू द एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ एप्लीकेशन शुड रिस्पॉन्ड। कह रहा है कि आपको क्या करना पड़ता है, एंटिसिपेट करना पड़ता है, खुद से ही आपको सोच लेना पड़ता है कि यार ये बंदा बोल सकता है। जैसे हमने होटल बुकिंग का जो चैटबॉट बनाया है हेलो वर्ल्ड के तौर पर, उसके अंदर हमने क्या बोला है कि भाई बुक अ रूम बंदा बोलेगा, या आई नीड अ रूम, या प्लीज़ स्टार्ट बुकिंग, इस तरह बंदा बोलेगा। तो हम उसको एंटिसिपेट किया हुआ हमने, लेकिन हमारा बंदा आके कोई बिल्कुल ऐसी बात कर सकता है जो उसमें पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है, वैसे तो गूगल डायलॉग फ्लो क्लेम करता है कि हमने पीछे डीप लर्निंग लगाई हुई, अगर यही बात बंदा किसी और अंदाज से भी बोलेगा तो हमें पता लग जाएगा। लेकिन हो सकता है बंदा कोई ऐसा जुमला बोल दे जो डीप लर्निंग भी उसको समझे कि नहीं ये कोई और बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह की सेटिंग हो सकती है कि उसको पता ना चले।
तो हमने ये देखा कि यूज़र जो है वो कुछ भी बोल सकता है, यूज़र के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। I want to correct a common misunderstanding here. A VUI, a conversational interface, but not all conversational interfaces are same. कह रहे कि जो VUI होगा ना, एक वॉइस यूज़र इंटरफेस होगा, ठीक है। अभी हम ये जो 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 एक सिंपल चैटबॉट से बिल्कुल हट के ये बात हो रही है, अभी ये वो थ्योरी हो रही है जिसमें से कुछ हिस्सा अभी तक प्रैक्टिकल बना भी नहीं है। ये वो थ्योरी डिस्कस हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखनी है आपने। ये जो शुरू से हमने बात अभी शुरू की हुई है ना, इसमें कुछ जैसा कि मैंने बोला कि भाई हमने गूगल असिस्टेंट अलेक्सा को वैसे ही अपने कोर्स से हटा दिया, लेकिन स्टिल वॉइस यूज़र इंटरफेस स्टिल रेलिवेंट है। तो इसमें ये वो थ्योरी डिस्कस हो रही है जिसका कुछ पार्ट अभी रियलिटी बना भी नहीं है, सही है। तो ये जहन में रखते हुए इसको समझेंगे तो आपको समझ आएगा। तो कह रहे हैं कि यार आप जो VUI है ना, वॉइस यूज़र इंटरफेस, जैसे एक तो GUI होता है कि जी आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, सारा GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। एक VUI, वॉइस यूज़र इंटरफेस, कि जी वॉइस होगा, ग्राफिक्स होगा ही नहीं, या होगा ग्राफिक्स या जो भी होगा, लेकिन प्राइमरीली वो वॉइस पे बात कर रहा होगा, हो सकता है ग्राफिक भी हो साथ। तो VUI कह रहा है कि आमतौर पर क्या होगा, कन्वर्जेशनल इंटरफेस होगा, कि जाहिर है जब वॉइस में एक डिवाइस से आप बात करें तो कन्वर्जेशन होगी, दो पार्टिसिपेंट्स होंगे इसके अंदर। लेकिन कह रहा है कि सारे जो कन्वर्जेशनल इंटरफेसेस हैं ना, वो सेम नहीं होते हैं, ठीक है। अब जस्ट एज वी वुड नेवर से दैट डेस्कटॉप एंड मोबाइल शुड हैव सेम GUI, ठीक है। कह रहा है कि तमाम कन्वर्जेशनल इंटरफेसेस सेम नहीं होते हैं, जैसा कि मोबाइल भी GUI है और डेस्कटॉप भी GUI है, लेकिन हम कहते हैं कि उसका UI सेम होनी चाहिए, तो ये गलत होगा, ये दो डिफरेंट GUI है। तो इसी तरह ये कह रहा है कि VUI की बात इसने नहीं की, इसने बोला कन्वर्जेशनल इंटरफेस जो सारे सेम नहीं होते। अब वो क्या बात इसने की है देख लेते हैं। वॉइस एप्लीकेशंस एंड चैट एप्लीकेशंस वॉन्ट हैव सेम इंटरफेस। अब एक होगी वॉइस एप्लीकेशन, एक होगी चैट एप्लीकेशन, इन दोनों का इंटरफेस सेम नहीं होगा। ये इसी तरह जैसे मोबाइल एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, या इसी तरह जैसे एक वेबसाइट मोबाइल पे खुलती है और एक वेबसाइट लैपटॉप पे खुलती है, तो इसी तरीके से जो चैट एप्लीकेशन है जिसमें लिख के चैट होती है और एक में बोल के वॉइस से कम्युनिकेशन होती है दोनों कन्वर्जेशनल, क्योंकि दोनों में कन्वर्जेशन हो रही है और कंप्यूटर ही के साथ हो रही है, लेकिन एक में बोल के हो रही है, एक में लिख के हो रही है, तो ये दोनों कभी भी सेम नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ आ गई सब लोगों को। अच्छा, अभी इसने VUI को साइड पे कर दिया, ठीक है। VUI इज वो जो ऊपर हमने डिस्कस किया प्राइमरीली डिस्कस, अब ये आ गया कन्वर्जेशनल इंटरफेस के ऊपर, कि VUI के अंदर जो दो ब्रांचेज हैं, VUI के अंदर ये दो ब्रांचेज निकाल दी इसने, कि एक जी लिख के बात करेगा बंदा वो कन्वर्जेशनल इंटरफेस होगा, एक बोल के बात करेगा वो कन्वर्जेशनल इंटरफेस होगा। इवन इफ दे आर बोथ हैंडल थ्रो कन्वर्जेशन एंड बोथ बिकम पॉपुलर अराउंड द सेम टाइम, देयर आर इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेज बिटवीन द टू दैट डिस्ट्रॉय द ड्रीम ऑफ वन बॉट एनी प्लेटफॉर्म नो चेंजेस, ठीक है। इसने बोला कि यार इसने क्या कर दिया, हमारा जो ख्वाब था कि एक ही चैट बॉट और वो सब जगह लग जाए, इस ख्वाब को तोड़ के रख दिया। अच्छा, ये बात हो रही है डायलॉग फ्लो V2 की। डायलॉग फ्लो V2 में क्या होता था कि एक ही चैट बॉट बनता था, लेकिन डायलॉग फ्लो V3 जो है, यानी कि डायलॉग फ्लो CX जो है, उसमें इस चीज़ को लेके इन्होंने कुछ इकदाम किए हैं कि हर इंटेंट का जो रिस्पॉन्स है उसमें एक एजेंट से होता है और नीचे एक टेलीफोनी का अलग अलग आ रहा होता है ना, या उसमें चैनल स्पेसिफिक करके भी उन्होंने बात की हुई है। तो डायलॉग फ्लो का जो CX वाला वर्जन है, इसमें इन्होंने कुछ इकदाम ऐसे किए हैं कि आप एक ही सवाल के जवाब में आप 4-5 जवाब देते हो अलग अलग, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप से आई है तो आप एक अलग जवाब उसके लिए लिखते हो, अगर रिक्वेस्ट कॉल से आई है टेलीफोनी से तो टेलीफोनी के लिए अलग जवाब लिखते हो आप, ठीक है। बात एक ही होगी लेकिन लिखने का और बोलने का अंदाज़ अलग अलग होगा। तो ये इसमें कुछ इकदाम हुए हैं, लेकिन स्टिल वो कह रहा है कि ये आपका ख्वाब ही रहेगा कि एक ही चैट बॉट और कोई चेंजेस ना हो, ठीक है। लिहाजा आप क्या कर रहे हैं, एक ही चैट बॉट बनाते हुए बिहाइंड द सीन असल में 4-5 चैट बॉट बना रहे हैं। अच्छा, उसमें भी कभी कभी मसला हल नहीं होता, कभी कभी उसमें भी मसला हल नहीं होता। हमें सम टाइम ये करना पड़ता है कि एंटायरली एक अलग चैट बॉट बनाना पड़ता है,
ठीक है, जो कि पहले वाले से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता दूर दूर तक, ठीक है, एंटायरली बिल्कुल अलग चैटबॉट हमें बनाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जब एक एक सवाल के जवाब में मैं पाँच पाँच अलग अलग रिस्पॉन्सेज भेज रहा हूँगा तो ये ज़रा बहुत हैक्टिक हो जाता है, कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये। तो समटाइम हम क्या करते हैं कि किसी एक प्लेटफॉर्म पर अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसको हम बिल्कुल ही अलग भी कर देते हैं। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंस, अ पर्सन चैट विद अ चैट बॉट थ्रू टेक्स्ट वेयर दे स्पीक विद अलेक्सा। कह रहे कि यार मोस्ट कॉमन जो है ना, हम चीज़ इसमें से निकालते हैं कि क्या डिफरेंस होगा। मोस्ट ऑब्वियसली कह रहे कोर्टाना सीरी अलेक्सा एंड अदर वॉइस, अच्छा मीडियम वॉइस और टेक्स्ट शेप द ईच पार्टनर इन द कन्वर्जेशन सेज द वर्ड्स चूजन द रेट ऑफ रिस्पॉन्स एंड द डेप्थ ऑफ द रिस्पॉन्स आर ऑल इम्पेक्टेड बाई द चॉइस ऑफ टेक्स्ट वर्सेज वॉइस। कह रहा है बंदा अगर लिख के बात कर रहा है ना या अगर बोल के बात कर रहा है तो क्या चीज़ अलग होगी उसकी, कि कौन से वर्ड्स वो चूज़ करता है। लिखने के वर्ड्स अलग होते हैं, बोलने के वर्ड्स अलग होते हैं, ठीक है, सब लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं कि लिखने के वर्ड अलग हैं और बोलने के वर्ड अलग हैं। बताओ, एग्जाम्पल बताओ कोई ऐसी बात जो लिख के आप अलग तरह से बोलते हो, बोल के आप अलग तरह से बोलते हो। एक्सेंट नहीं, वर्ड्स ही अलग हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं हम नो, क्या नो क्या, अबे नहीं भाई, ये कह रहे वर्ड्स ही अलग होंगे, कह रहे वो वर्ड ही यूज़ नहीं करोगे आप, वर्ड कुछ और यूज़ करोगे आप। तो एक तो इसने एग्जांपल बता दिया कि बहुत सारी चीज़ें हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ऐसे TC लिख देते हैं हम टेक केयर को ना, हाँ, तो ये तो चलो एक एग्जाम्पल हो गई, और एग्जाम्पल बताओ। हाँ सही है, तो अच्छा, तो देखो एग्जांपल मैं समझा देता हूँ और एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ। देखो अब मिसाल के तौर पे मैं आप किसी बंदे के सामने हो तो उससे आप बोल के बात करते हो, नहीं हो या फ़ोन पे बात करते हो तो बोल के बात करते हो, और या टेक्स्ट पे बात करते हो व्हाट्सएप SMS के ऊपर, ठीक है। तो अगर फ़ोन किसी का आया है और आपसे पूछते हैं हाँ भाई क्या हाल है, तो आप क्या बोलते हो उसको, वो आजकल चला हुआ है ना, हाँ भाई ठीक ठाक, और तुम सुनाओ कहाँ घूमो आजकल, कहाँ शार्ट हो आजकल, चला हुआ है ना एक टिकटॉक पे, क्या नाम है इसका, एक वो एनिमेटेड होता है बस ऐसे ही, और रोजे वोजे सही चल रहे हैं। तो ये जवाब देख रहे हो कितना लंबा जवाब है, शारे में, अच्छा जवाब देख रहे हो कितना लंबा जवाब दिया बंदा ने। अच्छा अगर यही बात कोई मैसेज पे पूछता है तो आप क्या लिखते हो, सामने वाला पूछने वाला भी पहले तो एक लिखता है हाउ आर यू लिखता है बस, इसके आगे नहीं लिखता वो, ठीक है। या अगर कोई हमारे जैसा लड़का होता है वो क्वेश्चन मार्क ही बना के भेज देता है, इससे आगे लिखने की तौफीक ही नहीं करता। और सामने से हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं फाइन और यू। अच्छा एक फ़ाइन का अलग मैसेज भेज रहे हैं और यू का अलग मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, आमतौर पर इस तरह से होता है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस के कोई बंदी ना हो, बंदी अगर ये होती बंदी अगर होती है तो हमारे लड़के फिर लिख के भेजते हैं आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, सही है। तो खैर मजाक की बात है ये, लेकिन खैर मोस्टली क्या होता है, अभी लड़के लड़की की बात कर रहे हैं, लड़कियों की कोई बात नहीं होगी अभी, एकदम मुंह बन गया तुम लोगों का तो यार, नहीं होगी होगी, लड़कियों की बात होगी, लड़कियां भी यार हमारे चैट बॉट के अंदर लड़कियां भी होंगी जो चैट बॉट से बात करेंगी हमारे, कोई मसला नहीं है, सही है। हाँ गर्लफ्रेंड वाला चैट बॉट बहुत मांग रहे हैं आजकल बच्चे, देखा अच्छा, हाँ वो कह रहा भाई इंटीमेट गुफ्तगू करे वो, मैंने कहा यार क्या अश्लील गुफ्तगू, अच्छा तो कह रहा है कि भाई जो वर्ड आप चूज़ करते हो ना बोलते हुए और लिखते हुए वो अलग हो गए, सही है। तो आप जैसे लिखते हो ना कि यार जब कॉल पे पूछ रहा है बंदा कि हाउ आर यू, तो आप क्या बोलते हो, ओ या आई एम फाइन, अगर अंग्रेज़ी में बात हो रही है तो, ये ओ या जो कहाँ से आ गया, ये लिखते हुए तो नहीं था, ये बोलते हुए था सर, ठीक है। एंड हाउ अबाउट यू या व्हाट अबाउट यू,
ये बोलते हुए पूरा ही बोलेगा बंदा, ठीक है। बोलते हुए कभी भी ये नहीं होगा कि फ़ोन किया बंदे ने, सामने से बंदे पूछा तो सामने से बंदे बोला फ़ाइन, चलो फ़ाइन तक भी समझ आता है, उसके बाद उसने बोला यू, तो बोलेगा यार मैं किसी रोबोट को फ़ोन कर दिया क्या मैंने। बोलेगा क्या सीन है भाई तेरा ना, सामने से बंदा उसको फील कर लेगा बकायदा कि यार ये कुछ सीन है, उल्टा सीन है। तो हमने ये देख लिया कि वर्ड चूजन जो है वो टेक्स्ट में बिल्कुल अलग होते हैं और वॉइस में बिल्कुल अलग होते हैं। नंबर दो, रेट ऑफ रिस्पॉन्स। रेट ऑफ रिस्पॉन्स ये होता है कि बंदा बोलते हुए ना, शायद मिसाल के तौर पे मैंने एक सवाल के जवाब में मैसेज दो मारे अलग अलग, फाइन और यू, ये दो मैसेज मैंने फ़ौरन फ़ौरन यू मारे टक टक करके, लेकिन बोलने वाले रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है कि मैं एक ही जुमले में बात करता हूँ, दो जुमला नहीं बोलूँगा मैं, है ना, जैसे आई एम फाइन अबाउट यू, ऐसे करके एक जुमले में ये बात हो गई, ख़त्म हो गई, सही है। या अगर वो वाला हम उर्दू वाला लें, के वालेकुम अस्सलाम, क्या क्या है भाई, मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताएं कैसे हैं आप, किधर शार्ट है आजकल मार्केट से। तो ये जुमला लेकिन एक ही है, बात इतनी सारी हो गई, जुमला लेकिन एक ही है। तो अच्छा, और डेप्थ ऑफ रिस्पॉन्स, ऑल आर इम्पैक्टेड। अच्छा यहाँ पे कुछ इन्होंने भी एग्जाम्पल बताई है कि कंसिडर प्लानिंग कैंपिंग ट्रिप विद फ्रेंड थ्रू टेक्स्ट, कि टेक्स्ट के जरिए क्या बात हो रही है, कैंपिंग प्लान हो रही है, कैंपिंग का ट्रिप प्लान हो रहा है। एलेक्स ने बोला कि भाई ओके, सो वी कैन गो टू, कोई जगह का नाम बताया, दूसरी जगह का नाम बताया और तीसरी जगह का नाम बताया कि भाई वी कैन गो प्लेस वन, प्लेस टू और प्लेस थ्री। इफ वी गो प्लेस थ्री, वी शुड गो ऑन अक्टूबर बिकॉज इट विल बी टू हॉट इन समर, ठीक है, ये इसने बात कर दी। अच्छा अब नीचे जो जवाब आया ना इसका, आप नोट करें वो क्या जवाब आया, हाउ अबाउट और प्लेस नंबर थ्री, ये बात आई, ये जवाब आई है, ठीक है, ये इसने मतलब एक लिख के बात हो रही है तो ये इस तरह से बात हो रही है। अच्छा वही बात अब क्या हो रही है, अब वॉइस के अंदर हो रही है वही बात ये वॉइस में हो रही है। तो बंदे ने कहा है कि ओके वी हैव फ्यू चॉइसेस, सामने से बंदे ने उसी वक्त बोल दिया कि भाई व्हाट आर दे, ठीक है, सामने से बंदे ने उसी वक्त बोल दिया, ठीक है। अच्छा फिर इसने प्लेस वन, प्लेस टू, प्लेस थ्री बताया, ठीक है, फिर इसने बोला हाउ अबाउट दिस, हाउ अबाउट प्लेस थ्री, ठीक है, तो सामने से जवाब है ऑल राइट वी विल हैव इट ऑन अक्टूबर बिकॉज इट्स टू हॉट। तो जो बात यहाँ पे दो जुमलों में हुई थी वो बात यहाँ पे कहीं ना कहीं चार जुमलों में हो गई, सही है। हाँ तो अच्छा वैसे इसने कहीं ना कहीं जो एजम्पशन की है ना, वो मेरी एजम्पशन से अपोजिट है, ठीक है, ये मैंने मतलब जो मैंने एजम्पशन की है या जो हम आम तौर पे एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट के अंदर जो है ना मैसेजेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन इसने बात असल में इस तरह की है, जैसे अगर कोई ट्रिप प्लान हो रहा है ना, तो जाहिर है जब हम ग्रुप में पहला मैसेज मारते हैं ना, तो हम वो ट्रिप पूरी डिटेल बनाते हैं कि भाई ये सीन है, और इसमें तो इसने पैसों का नहीं लिखा भी, हमारे बंदे बोलते हैं भाई पर हेड इतना इतना आ रहा है, तो वो भी साथ लिख देते हैं। तो एक तो मैसेज पूरा बना के डालते हैं, उसके बाद होती है फिर गुफ्तगू लंबी के ना कि भाई चलते हैं, भाई चलते हैं, हाँ एक होता है वो नहीं जा रहा होता है, उसका ऑफिस होता है, कहता है नहीं यार वो सैटरडे को बुलाया हुआ है, तो वो पूरी फिर गुफ्तगू चलती है लंबी। तो उसमें क्या होता है, यही होता है, शॉर्ट शॉर्ट गुफ्तगू होती है फिर। अच्छा लेकिन इसने ये बोला है कि यार, अच्छा इसने यही वजह है कि इसने देखो टेक्स्ट में ना दो ही जुमले की बात की है, दो से आगे नहीं बढ़ाई है, क्योंकि दो से आगे बढ़ेगा तो फिर शॉर्ट गुफ्तगू शुरू हो गई आगे। अच्छा वॉइस के ऊपर ना ये इसने क्या कर दिया, वॉइस पे भी उतनी बात की है, तो वॉइस पे ज़रा जुमले ज़्यादा आ गए और जुमले चेंज भी तो खैर नहीं हुए, लेकिन जुमले ज़रा ज़्यादा आ गए, रैपिड रिस्पॉन्स हो गया। अच्छा तो वेल, द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टेक्स्ट एंड द सेकंड दैट इज वॉइस इज क्लियर व्हेन इंफॉर्मेशन अराइव थ्रू टेक्स्ट, द अदर पार्टिसिपेंट कैन स्कैन द मैसेज फॉर द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड देयर इज लेस नीड टू शेयर द कन्वर्जेशन, बोथ पार्टिसिपेंट्स विथ रीजन कैन से समथिंग एनी टाइम, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस उन्होंने यहाँ पे ये बता दिया, द वॉइस एग्जाम्पल डाउन प्ले द ट्रू बिकॉज यू आर रीडिंग इट एंड द नन द लेस सी अ रिदम, दिस देन दिस एंड देन दिस, टेक्स्ट बेस एग्जाम्पल इज वन लॉन्ग स्ट्रीम, वॉइस बेस मल्टीपल बीट्स ड्रिबल आउट रेलिवेंट डिटेल। अच्छा जैसे अब इसने देखो तो बात की ना कि यार जो टेक्स्ट रिस्पॉन्स होगा ना वो एक लंबा टेक्स्ट होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि
कि एक लंबा सारा टेक्स्ट होगा, वो आप बोल के यहाँ पे बता दोगे। अच्छा, यही वजह है कि जैसे हम समटाइम क्या होता है कि मैसेज पे कोई बात हो रही होती है ना किसी बंदे से, तो मैसेज पे अगर वो यानी डिस्कशन वाली कोई चीज़ है, नहीं बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, या बहुत सारे वेरिएबल्स हैं कि यार कब करें, कहाँ करें, कैसे करें, कितने में करें, इस तरह की कोई सी चीज़ है, और सिंगल बंदे से बात हो रही है, तो मैं ये मेरा प्रेफरेंस ये होती है कि मैं उसको कॉल कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार मैं कॉल कर रहा हूँ, या मैं डायरेक्ट कॉल कर लेता हूँ, कि कॉल पर बात जल्दी हो जाती है, टाइम बच जाता है हमारा।